नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर जीवे। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए, हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार मैसेज करके बताइए, आवाज क्लियर है ना? एक बार मैसेज करके बता दीजिए, आवाज क्लियर है ना? सारा चीज प्रॉपर होगा तो हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे। ऑल ओके, चलिए ठीक है। सेशन को एक बार अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक? फिर हम लोग आज का चर्चा स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों का डीआरडीओ सीरीज है, उसका आज ये 56वां दिन है ना, 56 दिन। इससे पहले का 55 लेक्चर डीआरडीओ फिटर टर्नर मशीनिस्ट प्लेलिस्ट बना है, उसमें मिल जाएगा। तो जो लोग नए होंगे वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोगों का भंडारा चल रहा है, 100 प्रश्न का प्रतिदिन भंडारा है। कल थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, 85 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि भंडारा में बहुत लोग आए थे ना, तो जाते के क्रम में जो जनरेटर वाला तार था ना, उसको खींच दिया था, नोच दिया था। तो नोच दिया तो क्या हो गया, झिलझिला रहा था, बुकबुका रहा था स्क्रीन, समझ में आ रहा चीज? तो ऐसा नहीं करना है, बढ़िया से पेशेंस के साथ बैठ करके और पढ़ाई करना है। जाते समय कुछ खींच खाच के नहीं जाना है, ठीक? फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए है। और प्रतिदिन 8:30 बजे से क्या होता है, हम लोगों का समय है इसी के अनुसार लाइव। जब तक 100 क्वेश्चन खत्म ना हो तब तक अनवरत करते रहेंगे। तो 1.5 घंटा से पौने 2 घंटा के बीच में पूरा 100 क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक? बस साथ में बने रहना है और क्वेश्चन को एक एक करके करते चलना है। चलिए, तो आज के सेट का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से है, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक? 100 क्वेश्चन का नंबरिंग करके और अपना मार्क्स भी लिखते चलना है। चलिए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से, धुआं धुआं दिख रहा है। धुआं धुआं क्यों दिख रहा है? नेटवर्क थोड़ा सा स्लो होगा आपका, इसलिए ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, फिटर टेक आईटीआई। चलिए, अगर यहाँ पर देखें तो आज का सेट का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, किसी तंग झिरी की गहराई चेक करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? नैरो स्लॉट की गहराई चेक करनी है, या कोई चाबी मार्ग होगा, पतला चाबी मार्ग है उसकी गहराई को चेक करनी है, तो कौन सा रूल लगेगा? ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड स्टील रूल, की सीट रूल, और नैरो रूल, और फिर फ्लेक्सिबल रूल। तो नामे से क्लियर है ना, सी राइट आंसर होगा नैरो रूल। इसके लिए और भी पूछा जाता है, 5 mm इसकी चौड़ाई होती है, 5 mm ज्यादा नहीं है, चौड़ाई 5 mm होता है, मोटाई 2 mm का लगभग होता है, तो नैरो रूल बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी स्टैंडर्ड स्टील रूल वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर की सीट रूल होती है ये, इसको हम लोग बॉक्स स्क्वायर भी बोलते हैं ना, वी शेप के होता है, इसलिए इसको बॉक्स स्क्वायर बोला जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग बेलनाकार जॉब के ऊपर समानांतर लाइन खींचने या चाबी मार्ग की मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो इतना डिटेल्स इसके लिए काफी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। जो श्रिंक रूल होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कास्टिंग के पैटर्न बनाते समय करते हैं, तो उस समय ये जो श्रिंक रूल होता है ये ओरिजिनल माप से बड़ा रखा जाता है, ताकि कास्टिंग के पैटर्न बनाते समय जो साचा हो बड़ा बने, और उसके द्वारा जो माउल्ड बनाया जाता है वो बड़ा बना बने। क्योंकि कास्टिंग जब करते हैं तो साचे में ये माउल्ड कैविटी में धातु को डालते हैं, तो ठंडा होता है तो सिकुड़ता है ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है श्रिंक रूल। ऐसा नहीं कि इसे सिकुड़ा हुआ रूल होता है इसलिए इसको श्रिंक रूल बोलते हैं, ऐसा कतई ही नहीं है इसके लिए, ठीक? तो कितना बड़ा रखा जाता है, तो पहले से ही स्टैंडर्ड माप से 1/16 इंच से 3/8 इंच प्रति फुट, 1 फुट में 1/16 इंच से लेकर के 3/8 इंच तक माप क्या रखे जाते हैं, बड़े रखे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, शेयर कर देना है सेशन को, फिर राजधानी एक्सप्रेस बीच में रुकेगी नहीं, डायरेक्ट 100 क्वेश्चन करने के बाद ही वार्तालाप होगा, बीच में अगर कमेंट पे ध्यान गया तो कर देंगे किसी को रिप्लाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हैंड वाइज का नट निम्न में से किस प्रकार का होता है? हैंड वाइज का नट पूछा गया, ऑप्शन दिया स्क्वायर नट, थम नट, विंग नट और डोम नट, कैसा होता है? राइट आंसर क्या बोलेंगे, विंग नट होता है ना, या फ्लाई नट होता है, हाथों से ही उसको टाइट करते हैं। स्क्वायर नट आपको पता है वर्गाकार आकृति के होते हैं, हेक्सागोनल होगा तो षटभुजाकार होगा। थंब नट जो होता है इसके ऊपर नर्लिंग की रहती है, हाथों से ही हम लोग क्या करते हैं, खोलते कसते हैं, जैसे लॉकिंग, ये जो लॉकिंग स्क्रू होते हैं सूक्ष्मापी यंत्रों के, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, तो इनमें ये थंब नट होता है। बाकी ये डोम शेप, ये जो नट जो होता है, जो ऊपर का जो शेप होता है स्फेरिकल टाइप का, तो उसको हम लोग डोम शेप बोलते हैं, गुंबद के आकार का डोम नट बोलते हैं उसको, इसको कैप नट के भी नाम से जाना जाता है, डोम नट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन है पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है, पाइप वाइज का प्रयोग किसके लिए, तो पाइपों को बांधने के लिए, बेलनाकार जॉब को बांधने के लिए, स्टडो को बांधने के लिए और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ना, चुल मत मचाए रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने की जरूरत नहीं है, आगे देह में लगे उससे पहले हम स्लाइड कर देंगे, ठीक, सौ क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए ना, पाइप भाई से भीजा बड़ा होता है, जिस शेप में बना होता है, तो उसके बीच में गोल या बेलनाकार जॉब को, ऐसा भी उसी तरीके का है, पाइप या बेलनाकार जॉब है या स्टड है, इसको पकड़ सकते हैं ना, इसके जहाँ भी शेप में बने होते हैं तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और फिर पाइप भाई पाइप को कितने पॉइंट पर पकड़ता है, तो चार पॉइंट पर, और उस भी का एंगल कितना रहता है, तो 90 डिग्री। ये सब लेते जाओ, नहीं तो लौट जाओगे एग्जाम में जल्दी जल्दी के चक्कर में, इतना जल्दी है आपका, और हवाई जहाज की रफ्तार से चले। क्वेश्चन नंबर फाइव है, साधारण कार्य के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोड, सामान्य कार्यों के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, जल्दी जल्दी चलेंगे तो उड़ा देंगे तुरंत, 45 मिनट में दोनों सेट खत्म हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्रॉस कट चीजल का उपयोग किसके लिए होता है, क्रॉस कट जो चीजल होता है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, केव चीजल भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन दिया वर्गाकार कोने बनाने के लिए, साइड काटने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, चाबी घाट बनाने के लिए, कई एक बार पूछा जाता है, नाम बदल बदल करके पूछा जाता है, क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी बोला जाता है, बाकी वर्गाकार कोने को काटने के लिए या उसको फ्लैट करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल, जिसका भी आकार का पॉइंट होता है, और यहाँ पर इनसाइड कटिंग के लिए ये साइड कटिंग चीजल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ये जो ऑयल ग्रुप होती है, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं, ऑयल ग्रुप नहीं तो अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए, हाफ राउंड शेप में ग्रुप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए तो ये सारा डिटेल्स पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, सरफेस गेज का साइज लिया जाता है, सरफेस गेज को और क्या बोलते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक बोलते हैं ना, या मार्किंग ब्लॉक भी बोला जाता है, इसका साइज पूछा है कैसे लेते हैं, ऑप्शन दिया बेस की लंबाई से, पिलर की ऊंचाई से, बेस की चौड़ाई से, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पिलर की ऊंचाई, पिलर या जो कॉलम होता है या स्पिंडल होता है, वो जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना ज्यादा हम लोग ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं ना, स्क्राइबर को कहाँ पकड़ते हैं, स्क्राइबर सनक में पकड़ते हैं, ये भी पूछा जाता है कि सरफेस गेज में स्क्राइबर को सरफेस गेज के किस भाग में पकड़ा जाता है, तो स्क्राइबर सनक में पकड़ा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर एट है, डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, ऑप्शन दिया है वृत्त की मार्किंग, चापों की मार्किंग, किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना और ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा ना, क्या क्या काम है डिवाइडर, डिवाइडर के लिए अगर देखें तो ये इस तरीके से आर्क बना सकता है, सर्किल बनाने के लिए, कोई लाइन है इसको बराबर भागों में बांटना है तो इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये 100 mm लंबाई है तो 100 mm लंबाई को अगर 10 भागों में बांटना है तो 10 mm डिवाइडर में सेट करके और 10 भाग में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसलिए इसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए भी है, और ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में आएगा ना, क्योंकि इसके द्वारा मार्किंग के लिए माप सेट करते हैं, तो या तो स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो माप लेंगे तो स्टील रूल पर ट्रांसफर करके पढ़ते हैं, इसीलिए ये किस में आता है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में आता है डिवाइडर, राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, सारा ऑल ऑफ दिस, ये सब काम इंपॉर्टेंट है, और इसके पॉइंट को स्थान देने के लिए हम लोग कौन सा पंच से निशान लगाते हैं, तो प्रिक पंच से निशान लगाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, सुरक्षा गुणांक होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला पूछा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन में यहाँ पर पढ़ाते हैं, ये पूरा चैप्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसके बाद आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक, पॉइजन रेशियो है, बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, या जिसको शेयर रिजिडिटी बोलते हैं, ये सारा चीज पढ़ा देते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो वर्किंग स्ट्रेस बटा में अल्टीमेट स्ट्रेस बटा में वर्किंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस बटा में कंप्रेसिव स्ट्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए पूछा है, ये होता है बी, अल्टीमेट स्ट्रेस बटा में वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम लोड झेलने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, अगर उससे ज्यादा लोड लगाया जाए तो धातु टूट जाता है या फेल हो जाता है, ठीक, और वर्किंग स्ट्रेस जितना पर हम लोग काम कर रहे हैं, सेफ लोड को हम लोग वर्किंग लोड बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, कई एक बार फॉर्मूला पूछा जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल समझाते 10 से 15 मिनट लग जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा हम लोगों को नहीं जाना है, डायरेक्ट अभी फॉर्मूला ध्यान रखिए, बेसिक से जब आएंगे तो पूरा इसका निचोड़ लेंगे रस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा, ये तो चटा हुआ होना चाहिए ना, अब तक चाट के बैठ गया होगा सब, 2 से 4%, 2 से 4% होने की वजह से भंगुरता का गुण होता है, और इसीलिए इसकी फोर्जिंग भी नहीं करते हैं, और गर्म और ठंडा कंडीशन दोनों में ये क्या होता है, भंगुर होता है, तो कंप्रेसिव लोड को क्या करता है, ज्यादा झेलता है,
क्वेश्चन नंबर 11, स्लीव के एक छोटे डिवीजन का मान क्या होता है? माइक्रोमीटर में जो स्लीव हब या बैरल होती है उसके एक छोटे डिवीजन का वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन दिया 0.5 mm, 0.1 mm, 0.10 mm और फिर 1 mm. तो राइट आंसर क्या होगा? एक छोटे डिवीजन का वैल्यू स्लीव हब या बैरल होता है उस पर मेन स्केल होता है, उस पर मेन स्केल डिवीजन 1 mm, स्केल डिवीजन 1 mm होता है, और एक सब डिवीजन का वैल्यू आधा mm होता है, और थिम्बिल पर एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है? 0.01 mm होता है। तो थिम्बिल के वैल्यू का 0.01 ये लिस्ट काउंट होता है। यहाँ पर स्लीव के छोटे डिवीजन का वैल्यू यानी सब डिवीजन का वैल्यू पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? 0.5 mm ए होगा। समझ आ चीज? शेयर कर दीजिए, और इतने लोग जुड़े हैं लाइक कर दो एक बार। लाइक भी नहीं कर रहे हो, आशीर्वाद नहीं लेना है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के एक चक्कर में स्पिंडल आगे बढ़ता है, कितना आगे बढ़ेगा? मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये, कितना आगे बढ़ेगा? ऑप्शन में दिया है 1 mm, 0.5 mm, 0.1 mm, 0.01 mm, कितना आगे जाएगा ये? तो सबसे पहले प्रिंसिपल समझना है यहाँ पे। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, नहीं तो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है, नहीं तो लीड और पिच का सिद्धांत बोलते हैं। और इस पर जो चूड़ी कट्टी होती है मैट्रिक वी थ्रेड होती है, और मैट्रिक वी थ्रेड का अगर कोण देखा जाए, कोण इसका अगर एंगल देखा जाए मैट्रिक वी थ्रेड का एंगल, तो ये कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री एंगल होता है। तो एक से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग पिच बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो नट और बोल्ट सिद्धांत है, तो जब हम लोग स्पिंडल को एक चक्कर घुमाते हैं और राइट हैंड थ्रेड है, तो एक चक्कर आगे टाइट करने में कितना जाएगा? तो पिच के बराबर जाता है। पिच कितना है? तो 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी कट्टी होती है, तो एक चक्कर में कितना जाएगा? 0.5 mm। बी राइट आंसर होगा, ठीक, बी राइट आंसर होगा, यही पिच के अनुसार ही जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। तो लीड सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, तो लीड और पिच क्या होता है? बराबर। इसीलिए लीड और पिच का सिद्धांत ही माइक्रोमीटर के लिए बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है ड्रिल चक के आर्बर पर निम्न में से कौन सा टेपर बना होता है? ड्रिल चक के आर्बर पर कौन सा टेपर होगा? ऑप्शन दिया है मोर्स टेपर, मैट्रिक टेपर, जर्नो टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर। राइट आंसर क्या होगा? ड्रिल चक के आर्बर होगा, या स्लीव होगा, सॉकेट होगा, ठीक, या टेपर शैंक ड्रिल होगा। इन सब के लिए क्या लगता है? मोर स्टेपर लगता है ना। और ड्रिलों में कितना बताएं, तो MT1 से मोर स्टेपर 1 से लेकर के कितना होता है? MT5 तक यूज होता है, जबकि मोर स्टेपर का रेंज बताया जाए तो MT0 से कितना होता है? MT7 होता है, 8 साइज होता है। रेंज पूछे तो ये बताना है, ड्रिल में इतना तक यूज करते हैं। समझ में आ रहा चीज? और भी ले लो, इसका अगर टेपर रेशियो देखें तो 5/8 इंच पर फुट टेपर होता है, टेपर पर फुट में अगर बताया जाए तो, और टेपर रेशियो होता है 1:20। ये भी टेपर पर फुट में बता सकते हैं, नहीं तो टेपर रेशियो 1:20 होता है। अगर मेट्रिक टेपर के बारे में बात करें तो टेपर जो होती है ये 0.25 इंच पर फुट टेपर होता है, और इसका अगर टेपर रेशियो बताया जाए तो ये ध्यान से लिखो, नहीं तो लौट जाओगे, बहुत सारा चीज दे रहे हैं। मैट्रिक टेपर कितना होता है? 1:50 होता है ना टेपर रेशियो। टेपर को हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं, टेपर पर फुट और टेपर रेशियो में बता सकते हैं, तो 1:50 होता है। जर्नो टेपर के लिए अगर देखो दोस्तों, 0.6 इंच पर फुट टेपर होती है, 0.6 इंच पर फुट टेपर होती है, और टेपर रेशियो के बारे में बात करें तो 1:20 क्या होता है? 1:20। ब्राउन एंड शार्प टेपर में दो होता है, 3.5 इंच पर फुट और एक होता है 0.5 इंच पर फुट टेपर, और इसका टेपर रेशियो अगर बताएं तो 1:24 क्या होता है? 24। ये सारा मटेरियल भर दिए यहाँ पे, इसको ध्यान से करके रहना, ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट डाटा है, सब पूछा जाता है, नोट्स में लिख लेना, हो सके तो लेमिनेशन करा लेना, इसमें से ढेर सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इस तरीके से क्वेश्चन, रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन पर किस प्रकार के ड्रिल पकड़े जाते हैं? रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है, तो रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? रैचेट शैंक या बिट शैंक यूज होता है ना ड्रिल, जिसमें अगर शैंक देखे तो कैसा रहता है? टेपर स्क्वायर होता है, वर्गाकार टेपर होता है। तो स्ट्रेट शैंक ड्रिल का प्रयोग करेंगे, टेपर शैंक, रैचेट शैंक ड्रिल, और एक और छुपा हुआ है कोना में, तो उसको भी दिखा देते हैं, कहाँ है? कोर ड्रिल। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा रैचेट शैंक ड्रिल ना, या रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन में रैचेट शैंक या बिट शैंक यूज करते हैं। लाइक कर दो सभी लोग, जितना मटेरियल बता रहे हैं ना कम करेंगे, भोजन रसगुल्ला उसगुल्ला कम कर देंगे, जितना डिटेल्स बता रहे हैं। समझ में आ रहा चीज? तो लाइक करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, निहाई के फेस पर बने गोलाकार सुराख भाग का कार्य है? निहाई ये कौन सा है? एनविल, फोर्जिंग में जो यूज करते हैं वो वाला निहाई है, ये माइक्रोमीटर वाला एनविल नहीं है। माइक्रोमीटर का एनविल किसका बना होता है? कार्बाइड का बना होता है, और ब्रेजिंग करके जोड़ा हुआ रहता है, वो एनविल नहीं है। ये निहाई किसका है? फोर्जिंग वाला। ऑप्शन भी दिया है, पंचिंग करने के लिए, ड्रिफ्ट
शिफ्टिंग के लिए, कटिंग के लिए, वेंडिंग के लिए, इसमें जो होल होता है पीछे वो किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, पंचिंग के लिए ना, सॉलिड पंच के द्वारा हम लोग होल कर सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है स्टील की फोर्जिंग करते समय में क्रैक दोष आने का क्या कारण है। स्टील की जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तो क्रैक डेवलप हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है। ऑप्शन दिया, स्टील को फोर्जिंग तापमान से कम गर्म करना, स्टील को फोर्जिंग तापमान तक गर्म करना, फोर्जिंग तापमान से अधिक तापमान तक गर्म करना, फोर्जिंग औजारों का गलत उपयोग करना। तो राइट आंसर क्या होगा, जितना फोर्जिंग टेम्परेचर होना चाहिए उतना अगर नहीं गर्म किए तो क्या हो जाएगा, क्रैक होगा। तो स्टील को फोर्जिंग तापमान से कम टेम्परेचर गर्म करना। दीवार लोगों को देखे है ना, वो भट्टी में डालकर लोहे को और देखते रहता है कि कब तक कलर आ रहा है, जब उजला हल्का पीला कलर आने लगता है तो निकाल कर उसको पीट पीट कर क्या कर देता है, शेप चेंज कर देता है। तो कांचा अगर कम टेम्परेचर है उस पर फोर्जिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा। तो ये कारण है इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन इस तरीके से, लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाथ में की जाती है। लिक्विड कार्बोराइजिंग के झाड़ने की विधि, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है, ऐसा पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन देखना है और आंसर करना है, एक मिनट। चलिए, ऑप्शन इस तरीके से है आपका, सोडियम कार्बोनेट दिया है, उसके बाद सोडियम सल्फेट दिया है, सोडियम साइनाइड, विरियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम सल्फेट नहीं होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन इस तरीके से, केज हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है, कार्बोराइजिंग करने का क्या लाभ है, कार्बोराइजिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या लाभ होता है, ध्यान से पढ़ना इसको। ऑप्शन दिया, स्टील के पीस के कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, पीस के कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, और स्टील के पास कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। राइट आंसर क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना नहीं तो लुट जाओगे, यहीं पे तेल भी निकल सकता है। ठीक, तो केज हार्डनिंग है ना, केज हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब केवल बाहरी बाहरी सतह को ही हार्ड करते हैं, बाहरी बाहरी सतह को ही हार्ड करते हैं। अगर बॉल है तो इसका बाहरी बाहरी सतह हार्ड करते हैं, कुछ गहराई तक, कुछ गहराई तक, कुछ गहराई तक। ये कोर हार्ड नहीं होता है, तो क्या होगा आंसर, कोर हार्ड नहीं होता है तो सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या करना, बढ़ाना। सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं, जिसका जिस कारण सतह क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है, निम्न में से रिवेटिंग के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है। रिवेटिंग के लिए कौन टूल यूज नहीं होगा, रिवेट सेट स्नैप कॉलकिंग टूल, और एक और छुपा हुआ है, अंदाज लगा चुके होगे क्यों छुपा है वो। ठीक, छुपा हुआ है, कौन सा है, स्टेक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेक रिवेटिंग में नहीं आता है, रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं ना, पतली सीट या पतली प्लेट होती है उसको पास पास लाने के लिए, ताकि रिवेटिंग में फेलियर ना आ पाए। रिवेट स्नैप रिवेटिंग केयर करने के बाद ये हेड को सही आकार देने के लिए प्रयोग करते हैं। कॉलकिंग टूल मेटल टू मेटल ज्वाइंट देने के लिए, और फुलरिंग टूल क्या होता है, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए। ये स्टेक किसमें यूज होता है, तो सीट मेटल में यूज होता है ना, सीट मेटल में प्रयोग करने वाला ये एक प्रकार का एनिविल होता है, या खूंटा बोलते हैं, जिसके ऊपर सीट को रख करके और पीट पीट करके अलग अलग शेप देते हैं, जैसे अलग अलग टाइप है, फनल स्टेक, हाफ मून स्टेक, हैचेट स्टेक। ठीक, तो ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस टूल का प्रयोग रिवेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। फिर रिवेटिंग के लिए ऑप्शन दिया, रिवेट डॉली, ड्रिफ्ट, फुलरिंग टूल और पंच, कौन सा यूज नहीं होता है रिवेटिंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंच ना, ये रिवेट डॉली यूज होती है, रिवेट का जो हेड बना होता है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, सहारा देने के लिए डॉली। ड्रिफ्ट जो होता है टेपर कोन होता है, जिसका प्रयोग जो रिवेटिंग किया जाने वाले सीट है या प्लेट है उसके होल को अलाइन करने के लिए, एक सीध में लाने के लिए, और फुलरिंग टूल लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए या फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है। और पंच का प्रयोग हम लोग सीट मेटल में करते हैं होल करने के लिए, तो वो नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा रिवेटिंग ज्वाइंट सबसे अधिक मजबूत होता है, कौन सा रिवेटिंग ज्वाइंट सबसे मजबूत है। अगर ऑप्शन देखें, यहाँ पर दिया है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे मजबूत, अगर यहाँ पर देखें तो राइट आंसर क्या होगा, डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट ना। बट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जब किनारे दो प्लेट के आपस में सटा करके जोड़ा जाए, ये रिवेटिंग है तो सटा करके जुड़ जाएगा रिवेटिंग में, नहीं जुड़ेगा ना, तो इसके ऊपर कवर प्लेट रखते हैं। ये दोनों को रखने के बाद एक ऊपर से कवर प्लेट, अगर एक कवर प्लेट लगाएंगे तो सिंगल कवर प्लेट बोला जाता है, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ कवर प्लेट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कवर प्लेट। तो डबल कवर प्लेट में मजबूती क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ना, तो राइट आंसर क्या होगा, डबल कवर प्लेट। चलिए आगे की तरफ चले, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 22 है,
सीट मेटल कार्यों के लिए निम्न में से किस धातु के रिवेट प्रयोग किए जाते हैं। सीट मेटल कार्यों के लिए कौन कौन से धातु के रिवेट प्रयोग किए जाते हैं। माइल्ड स्टील है, कॉपर दिया है, एल्युमिनियम दिया है, और इसके बाद एक और ऑप्शन दिया है जो कि ऑल ऑफ दीज है, उपरोक्त सभी। तो सीट मेटल में कौन कौन से धातु के रिवेट बनाए जाते हैं। तो रिवेट साधारणतः मुलायम धातुओं के बनाए जाते हैं और ये सब मुलायम धातु ही है, तो ऑल ऑफ दीज सभी प्रकार के रिवेट यूज होते हैं। समझ में आ रहा चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, सोल्डरिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है। सोल्डरिंग का एडवांटेज पूछा है, सोल्डरिंग का एडवांटेज पूछा है। लाइक कर दीजिए सभी लोग। तार एवं पतली सीटों को जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। सोल्डरिंग के लिए विशेष दक्षता की जरूरत होती है। सोल्डरिंग ज्वाइंट की कम कीमत होती है। पूछ रहा है कौन सा लाभ नहीं है, लाभ कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। ऐसे ए बी सी कहाँ गई थी नहीं मारना है, ठीक। और इन बिन तीन करके ऐसे आंसर नहीं मारना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ना। सोल्डरिंग के लिए विशेष दक्षता, कोई स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है। किला ले जाकर के अमेरिका में सिखा कर लाएं कि चलो सोल्डरिंग सीख के आना, तब यहाँ पर करना है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। बाकी ये सब एडवांटेज है। पतली सीट को जोड़ सकते हैं, कम तापमान की आवश्यकता होती है। 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सोल्डरिंग किया जाता है। 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर बेजिंग किया जाता है। सोल्डरिंग की ज्वाइंट जो होती है कम कीमत, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सोल्डरिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इस तरीके से दिया है, सोल्डर मजबूत होना चाहिए, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं से कम होना चाहिए, सोल्डर आसानी से फैल जाना चाहिए यानी बहाव का गुण होना चाहिए, और फिर दिया ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, सोल्डरिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सोल्डर मजबूत होना चाहिए, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु से क्या होना चाहिए, कम, नहीं तो ज्यादा होगा तो जो जोड़े जाने वाले धातु वही पिघल करके खत्म हो जाएगा। सोल्डर आसानी से फैल जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस तरीके से, अधिक लंबी प्लेटें को वेल्डिंग द्वारा जोड़ते समय निम्न में से क्या दोष उत्पन्न होता है। ज्यादा बड़ी प्लेट है, उसको वेल्डिंग करके जोड़ना है, तो क्या दोष उत्पन्न होता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम लोग टांका लगाते हैं ना, सबसे पहले बीच में टांका लगाना चाहिए, फिर दोनों किनारों पर टांका लगाना चाहिए थोड़ा सा, और फिर वेल्डिंग करें ताकि अलाइनमेंट ना गड़बड़ हो या ये मुड़े ना, ठीक, डिस्टॉर्शन ना हो। तो अब ऑप्शन इस तरीके से दिया, अधूरी प्रिंटरेशन से बचने के लिए, क्रैक से बचने के लिए, डिस्टॉर्शन से बचने के लिए, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ब्लो होल से बचने के लिए। तो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है टेढ़ेपन, ज्यादा लंबी जॉब है ना, तो वेल्डिंग करते समय ज्यादा हीट होने की वजह से टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ेपन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में क्लैंप लगा देते हैं। क्लैंप कौन सा, सी क्लैंप लगा देते हैं। तो सी क्लैंप लगा करके सपोर्ट मिलते रहेगा तो ये दोष नहीं आता है। तो क्या दोष उत्पन्न होता है, तो ज्यादा समस्या ही होता है डिस्टॉर्शन का ही, टेढ़ा हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, वेल्ड मेटल में स्लैग अथवा बाहरी धातु कण रह जाने को हम लोग क्या बोलते हैं। वेल्डिंग से ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, और डिफेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। बाहरी धातु कण या स्लैग, जो धातु मल होती है वो अंदर ही दब जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया, स्पैटर, स्लैग इंक्लूजन, अंडरकट और क्रैक। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसको हम लोग स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं ना। बाहरी धातु कण जैसे धूल कण है या बालू मिट्टी के कण है, या जो फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग होता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स क्या करता है, तो सतह पर जो अशुद्धि होती है जॉब के उसको पिला कर ऊपर तरल अवस्था में ला देता है, वो बहुत कमजोर होती है, जिसको हम लोग धातु मल बोलते हैं या स्लैग बोलते हैं। वो भी अगर अंदर में हायर करंट होने की वजह से अंदर में अगर दब गया तो स्लैग इंक्लूजन होता है। वेल्डिंग करने के बाद देखे होंगे कि जब वेल्ड बिट पर जो पपड़ी होती है काली, उसको चिपिंग हैमर के द्वारा पीट पीट करके क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो अंदर न दब जाए, दबेगा तो उसको हम लोग स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। इसके कारण ज्वाइंट जो होता है मजबूत नहीं बनता है, कमजोर हो जाता है। स्पैटर जो होता है, जो वेल्डिंग करते समय हम लोग इलेक्ट्रोड पकड़ते हैं, हायर करंट की वजह से ज्यादा करंट रहेगा तो इधर उधर छिटक करके, और ये जो फिलर मेटल के कण है या इलेक्ट्रोड के कण है बेस मेटल पर बिखर जाते हैं बूंदों बूंदों के रूप में, उसको वेल्ड स्पैटर बोलते हैं। अंडरकट क्या होता है, हायर करंट की वजह से जो पेरेंट मेटल होता है, मूल धातु होता है, उसका उसमें कट अंडरकट हो जाता है, यानी किनारे कट जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरकट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडरकट किसके कारण होता है, तो हायर करंट की वजह से। और क्रैक पता है आपको, सतह पर कहीं कहीं दरारें दिखाई दे रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। केंद्रीय ड्रिलिंग का कार्य क्या है। सेंटर ड्रिल के लिए पूछा गया, सेंटर ड्रिल का क्या काम है,
तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग के लिए, ड्रिलिंग एवं काउंटर बोरिंग के लिए, ड्रिलिंग से पूर्व केंद्र की स्थिति चिन्हित करने के लिए और ड्रिल का व्यास बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सेंटर ड्रिल के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा, ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग के लिए ना दोनों कामों के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोलते हैं। ड्रिलिंग मतलब ड्रिल होल करने के लिए, क्यों होल करते हैं भाई, मजा लेने के लिए ना, मजा लेने के लिए नहीं, होल करते हैं ताकि जब बड़े और लंबे जॉब हो तो लेथ मशीन के सेंटर के बीच में सहारा दिया जा सके। तो ऐसे जॉब को सेंटर में सहारा देने के लिए जॉब के फेस पर जो होल करते हैं ये सेंटर ड्रिल से ही करते हैं। और दूसरा पीछे का भाग उसका काउंटर सिंक आकार का होता है, तिरछा होता है, जैसे काउंटर सिंक हेड होता है, इसलिए होल को काउंटर सिंकिंग के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं, यानी काउंटर सिंक भी कर सकते हैं, बीवेल कर सकते हैं। तो ये ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम होता है कॉम्बिनेशन ड्रिल, नहीं तो कंटिन्यूअस ड्रिल बिट भी बोला जाता है या सोलो कॉम्बे ड्रिल भी बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है। सोलो कॉम्बो कॉम्बिनेशन ड्रिल है, कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बिनेशन सोलो कॉम्बो, समझ में आ रहा चीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, और इतना जो कहानी बताए थे ऐसे नहीं बताए थे, यहाँ पर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 28, शाफ्ट के सिरों पर सेंटर ड्रिलिंग करने का क्या प्रयोजन है, शाफ्ट के सिरे पर सेंटर ड्रिलिंग करने का क्या पर्पस होता है, ये पूछ रहा है, बताओ सभी लोग। केंद्र के बीच में जॉब को पकड़ने के लिए, अचल केंद्रों को संहन के लिए, लुब्रिकेशन इन फिक्स्ड सेंटर, काउंटर बोरिंग में सहायता देने के लिए, भार में कमी करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है, इतना चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी सी मार रहा है, इसी के लिए बताया है, यही दिन देखने के लिए पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में जाकर के लौट जाओ सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ना, केंद्रों के बीच में जॉब को पकड़ने के लिए सेंटर ड्रिलिंग का क्या काम होता है, शाफ्ट के सिरों पर या जो लंबा जॉब है लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में, हेड स्टॉक की तरफ सेंटर जो लगता है उस लाइव सेंटर होता है, टेल स्टॉक की तरफ जो सेंटर लगता है वो डेड सेंटर होता है। मजे की बात है कि दोनों सेंटर का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं, तो सेंटर का सहारा देने के लिए ना जॉब को, तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ क्या होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू पिच ना, वर्गाकार थ्रेड है, 0.5 इंटू पिच, एंगल कितना होता है, तो एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, समझ में आ रहा चीज, ये पूछा जाता है। भारी भार के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे स्क्रू जैक में जो बेंच वाइस के स्पिंडल होते हैं उस पर, या फ्लाई प्रेस होती है उसमें ये यूज होता है। बाकी और सबका एंगल देखें तो मेट्रिक थ्रेड का 0.61, ये याद करवाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा कोई शौक नहीं है, 0.6134 इंटू क्या होता है, पिच होता है। इसके बाद ब्रिटिश के लिए देखें तो 0.6403 इंटू क्या होता है, पिच होता है। बटरस थ्रेड के लिए अगर देखें, अभी बटरस बाद में लेंगे, सबसे पहले देखते हैं वर्म थ्रेड, वर्म थ्रेड का 0.6886 इंटू क्या होता है, पिच होता है। और उसके बाद बटरस थ्रेड का जो होता है 0.75 इंटू क्या होता है, पिच। तो यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे गहरी थ्रेड कौन है, तो सबसे गहरी थ्रेड दिख रहा है 0.75 इंटू पिच, ये सबसे गहरी होती है बटरस थ्रेड, समझ में आ रहा चीज, तो इसे ना चार्ट के बैठ जाना है, आंसर क्या हो जाएगा ए। चलो लिख लेना है इसको, ठीक, ये सब शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे यहीं पे, खाली जुड़े रहो एग्जाम तक और फिर 100% सफलता मिलेगा। अभी धूल उखाड़ के आ गया है इसमें UPRVNL में, स्टूडेंट सब 150 160 170 मार्क्स तक ला रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, मैट्रिक चूड़ी की गहराई होती है, मैट्रिक चूड़ी की गहराई आ गया, अभी बगले में आ गया ना, मैट्रिक का पूछ रहा है, तो 0.61 अभी तो बताए, 0.6134 इंटू क्या होता है, पिच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगर ब्रिटिश के लिए देखे तो अभी लिखा था ना 0.6403 इंटू क्या होता है, पिच। ये ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश में कौन आ जाएगा, तो BSP BSW BSF ये सब चूड़ी का ये थ्रेड गहराई होता है, समझ में आ रहा चीज, इसको चार्ट के बैठ जाना है एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इसीलिए लिख के बताते हैं सारा, एग्जाम तक कम से कम हमको सेफ देख करके रखना है, इधर उधर भटकने नहीं देना है चीजों को, और जाके तहलका मचा दो। क्वेश्चन नंबर 31, ग्राइंडिंग व्हील का शार्पन तेज करने के ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया एलाइनिंग, ड्रेसिंग, चेकिंग, बैलेंसिंग, धूल उड़ा देगा इसके लिए भी, ड्रेसिंग बोलते हैं ना, इसके लिए ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, ड्रेसर भी स्टार ड्रेसर होता है और डायमंड ड्रेसर होता है, इसका प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की गई है, ये 51 ऐसा बार बार ऐसा इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन ला करके, क्योंकि ऐसा ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन से पूछेगा, 5 दिया है और फिर भी दिया है और ये 23 दिया है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ये 5 क्या बताता है, ये वाला ये जो 5 है ये क्या बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो चीज है ना,
दो चीज कंपनी का है, कंपनी का अपना पहचान नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है या अक्षर भी हो सकता है, वो दोनों कंपनी के लिए है। दो चीज आगे पीछे का छांट देना है, काम का हमारा 1, 2, 3, 4, 5 चीज होता है। अब इस 5 में से मत छांट देना, ए को इधर और बी को इधर, हमेशा ध्यान रखना कि 5 चीज काम का है। 5 के अलावा अगर कोई दिया है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का पहचान वहचान वाला है कुछ आदमी जिसको रखना चाह रहा है, समझ में आ रहा चीज, तो इसको हटा देना है। 5 काम का है तो ये क्या है, एब्रेसिव के बारे में बताता है ना, टाइप ऑफ एब्रेसिव बताता है, एब्रेसिव को बताता है ये कौन सा, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, बोल देते हैं सारा फटाफट। 46 क्या होता है, ग्रेन साइज या ग्रिड साइज होता है ना, और एल जो होता है ये क्या होता है, एक ग्रेड होता है, व्हील का ग्रेड है, हार्ड ग्रेड है कि सॉफ्ट ग्रेड है या मीडियम ग्रेड है, ये जो 5 है इसके बारे में पूछा था। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 5 क्लोज में आता है। और भी ये बॉन्ड का प्रकार है ना, ये बॉन्ड का टाइप है, बॉन्ड का टाइप भी का मतलब वेट्रीफाइड बॉन्ड है, अगर साइलक बॉन्ड रहता तो ई रहता, रेजोनाइट बॉन्ड या बेकलाइट बॉन्ड रहता तो बी रहता, वेट्रीफाइड है तो भी है, समझ में आ रहा चीज। तो इसका 5 का मीनिंग पूछा, तो 5 मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। चील के नजर है, क्वेश्चन है 33, स्लिप गेज ब्लॉक सेटों को रखा जाता है एयर कंडीशन कमरों में कितना डिग्री सेल्सियस पर, ये बता दिया है इस देख करके ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री फारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 20 डिग्री सेल्सियस, या मेजरमेंट भी जब लिया जाता है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही हम लोग मेट्रोलॉजी सेक्शन में माप को लेते हैं, तो कई एक बार ऐसा पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ चले अगर, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन है स्लिप गेजों की हार्डनेस प्राय होनी चाहिए, स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है, 58 HRC, 55 HRC, 60 HRC, 62 से 65 HRC, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, 62 से 65 HRC, कभी कभी फिक्स ही देता है, 62 से अधिक होता है, कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा 64, तो एग्जैक्ट मार देना है 64, तो ये 62 से अधिक होता है, तो रेंज बता दिए 62 से 65, इसके बीच में कोई भी रहेगा 63 दे दे, 64 दे दे, अकेले तो मार सकते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ रही चीज, HRC समझ में आ रहा है ना, हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी, इसके बारे में पूरा कहानी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 35, किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी बेसिक साइज पर जो मैक्सिमम सीमा है जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन दिया है टॉलरेंस, हाई लिमिट, अलाउंस और लो लिमिट, तो बेसिक साइज पर अधिकतम सीमा क्या कहलाएगा, तो अधिकतम सीमा क्या कहलाएगा, हाई लिमिट कहलाएगा ना, बी राइट आंसर होगा। अगर न्यूनतम सीमा बोलता तो क्या कहलाता है, लो लिमिट कहलाता है, और दोनों के बीच का अंतर हायर लिमिट साइज लोअर लिमिट साइज तो क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है, और हाई दो मेटिंग पार्ट है, एक होल है और दूसरा शाफ्ट, जब अलाउंस की बात करते हैं हम लोग तो होल और शाफ्ट होना चाहिए, ऐसे एक को शाफ्ट और होल लेके ऐसे घूमते नहीं रहना है, उसको फिटिंग करना है, फिटिंग करना है मतलब और दो मेटिंग पार्ट के बारे में बात होगी, जब अलाउंस की बात होगी तो दो मेटिंग पार्ट में यानी दो फिट होने वाले पार्टों के बीच में जो जानबूझ करके अंतर रखा जाता है, इंटेंशनल डिफरेंस, जानबूझ करके, क्यों जानबूझ करके रखते हैं, तो जानबूझ करके इसलिए रखते हैं ताकि अलग अलग फिट प्राप्त किया जा सके, अगर होल बड़ा शाफ्ट छोटा तो क्लियरेंस फिट, होल छोटा शाफ्ट बड़ा तो इंटरफेरेंस फिट, तो ये जानबूझ करके रखे जाने वाले जो छूट होते हैं दो मेटिंग पार्ट के बीच में उसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं, सारा चीज बता दिए और ये सब डिफिनेशन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, फिटिंग पार्ट्स के बीच में जानबूझ कर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं, हम आगे यहीं बगले में, एन इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन फिटिंग पार्ट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस से पूछा है, हाई लिमिट बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे, अलाउंस बोलेंगे, तो अगला ऑप्शन क्या देखना है, अलाउंस मारो यहाँ पे, ये दो फिटिंग पार्ट के बारे में बात करेगा, जबकि टॉलरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो होल का अलग टॉलरेंस निकाल सकते हैं, शाफ्ट का अलग टॉलरेंस निकाल सकते हैं, समझ आ रहा चीज। चलो आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है मशीन टूल्स में हाइड्रोलिक का निम्न में से कौन सा लाभ है, मशीन टूल में हाइड्रोलिक का क्या लाभ है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक जो मशीनरी होती है किस पर काम करते हैं, तो फ्लूड ऑयल पर काम करता है, पास्कल्स लॉ इसमें लगता है, ठीक है। और अगर न्यूमेटिक के बारे में बात करें, न्यूमेटिक का संबंध किससे होता है, एयर से, कंप्रेस्ड एयर से होता है, तो अब यहाँ पर जो मशीन टूल्स होती है हाइड्रोलिक होती है उसका क्या लाभ है, मशीन की कटिंग स्पीड और प्रेशर बराबर होता है। नेक्स्ट है मशीन स्मूथ चलती है, मशीनों को चरण रहित गति मिलती है, स्टेपलेस, गति में कोई कमी नहीं आता है, निरंतर कॉन्स्टेंट स्पीड मिलते रहता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, हाइड्रोलिक का ही फायदा है, जैसे ढेर सारा देखे होंगे जैसे भी भारू मगर उठाने के लिए ज्यादा उसमें आवाज नहीं होती, अब
पटकेगा सूढ़ तो आवाज होगा ही ना, ऑपरेशन के दौरान आवाज नहीं होगा, हाइड्रोलिक है, हेवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा। जैसे हाइड्रोलिक सेपर भी होता है, तो हाइड्रोलिक सेपर एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उसका कटिंग स्पीड वेरिएट नहीं होता है, फोर्स भी अच्छा काम देता है उसमें और आवाज भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूमेटिक का संबंध ऐसे सिस्टमों से है जिनके जिनको डैश के द्वारा चलाया जाता है। ये क्वेश्चन तो वहीं उड़ गया था, क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पानी, हवा, तेल और सोलिड। तो कंप्रेस, न्यूमेटिक का मतलब किसका है, एयर से ना, कंप्रेस्ड एयर से। ऐसे चुटकियों में उड़ाते चलो क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को धुएं में उड़ाते चले गए और झंड बन के बैठ गए अंतिम में, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, दिमाग में भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट का कटिंग टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। चूड़ी काटना है, अगर बाहरी चूड़ी काट रहे तो चूड़ी जो होता है थ्रेड, ये हेलिकल होता है ना, थ्रेड का डेफिनेशन ही है। सिलिंड्रिकल जॉब के ऊपर अगर एक घुमावदार खांचा बनाया जाए या ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, नहीं तो थ्रेड बोलते हैं। तो कैसा पाथ पे चलेगा, हेलिकल पाथ पे चलेगा, हेलिक्स घुमावदार पाथ पे चलेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे, नेक्स्ट साइक्लॉइड पैराबोला, ये साइक्लॉइड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कर्व है, इसका डिफिनेशन अगर पूछे तो कैसे बता सकते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है और सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, उसको स्ट्रेट लाइन में रोल करा रहे हैं, तो उस पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया गया, उस पॉइंट के द्वारा बनाया गया जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लेथ का ये क्वेश्चन है। ड्राइविंग प्लेट का यूज किसके लिए, तो ऑप्शन दिया, अंदरूनी क्रियाओं के लिए, फेसिंग ऑपरेशन के लिए, फिक्स्चर और वर्क पीस के बांधने के लिए, सेंटर और डॉग कैरियर के बीच लेथ जॉब को घुमाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताना है, थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को दबा करके, ठीक, और लाइक भी करना है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा ना, सेंटर और डॉग कैरियर के बीच लेथ जॉब को घुमाने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो ये ड्राइविंग प्लेट, ड्राइविंग प्लेट इसमें क्या फायदा है, तो ड्राइविंग प्लेट में एक ड्राइविंग पिन होती है, डॉग टेल कैरियर या कैरियर डॉग जिसको बोलते हैं, ठीक, या लेथ कैरियर इसको बोला जाता है। जब जॉब दो सेंटर के बीच में सपोर्ट में है तो उस समय जॉब को घुमाने के लिए, पकड़ को घुमाने के लिए डॉग टेल कैरियर का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ या तो ड्राइविंग प्लेट यूज होगा, नहीं तो कैच प्लेट यूज होगा, कैच प्लेट में यू स्लॉट कटा होता है, नहीं तो फेस प्लेट यूज होगा। सो मेरा चीज यहाँ पर तीनों में से किसी एक प्लेट के बारे में पूछे तो इसके साथ यही आंसर होगा, सो मेरा चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्न में से किस की का प्रयोग छोटी टेपर शाफ्टों पर ऑटोमोबाइल कार्यों के लिए किया जाता है। छोटे टेपर शाफ्ट, इससे आंसर निकलेगा, ऑटोमोबाइल कार्यों के लिए इससे आंसर निकलेगा। ऑप्शन दिया है, शंख की, सैडल की, वुडरफ की, फीदर की, क्या आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, वुडरफ की ना, कैसा सेफर होता है, तो अर्धगोलाकार डिस्क के जैसा होता है, ठीक, सेमी सर्कुलर बोल सकते हैं, और इसके इसको हम लोग टेपर शाफ्ट पर ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, और फिर इसकी को फिट करने के लिए जो कीवे होगा ऐसा ही बनेगा, तो किसके द्वारा बनाते हैं, तो मिलिंग कटर के द्वारा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस शाफ्ट का प्रयोग मोटर उद्योग में वहां पर किया जाता है जहां पर शाफ्ट और गियर कुछ दूरी के अक्षीय स्लाइड कराना हो। कौन सा चीज है, कौन सा शाफ्ट है जिसका प्रयोग हम लोग ये ऑटोमोबाइल में वहां पर करते हैं जहां पर शाफ्ट पर गियर को कुछ दूरी में स्लाइड कराना है, एक्सियल डायरेक्शन में स्लाइड कराना है। ऑप्शन दिया है, काउंटर शाफ्ट, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौटना नहीं है इसमें, राइट आंसर होगा स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट क्या होता है, जो शाफ्ट है शाफ्ट के परिधि पर पूरा स्लॉट बना होता है, पूरा परिधि पर, तो ऐसे शाफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं। और स्प्लाइन शाफ्ट का प्रयोग हम लोग ये गियर बॉक्स में तो होता ही, गियर के शाफ्ट को, जिसके कारण गियर को हम लोग इंगेज करते हैं, लेवर दबाते हैं तो शाफ्ट खिसकता भी है, रोटेट भी करता है, तो खिसकाने के लिए यहाँ पर ग्रुप बने होते हैं, तो आसानी से ये जो हमारा स्प्लाइन शाफ्ट है ये खिसक जाता है आसानी से। क्लच में भी यही होता है, इंगेज करना, डिसइंगेज करना, स्प्लाइन शाफ्ट होता है। अब एकदम सादा उदाहरण दे रहे हैं, सिंपल, जैसे गांवों में होता है ना कि ट्रैक्टर से पावर को, ट्रैक्टर को चालू करके उसके पावर को थ्रेसर में, गेहूँ काटने वाला, धान काटने वाला, या गेहूँ पीसने वाला, या क्या बोलते हैं ये चावल निकालने वाला जो मशीन है, इसमें हम लोग पावर दे रहे हैं, तो उसमें जो शाफ्ट होता है, देखे हो, हब में डाल दिया जाता है, तो शाफ्ट के ऊपर जो स्लॉट कटा होता है पूरे परिधि पर, वो स्प्लाइन शाफ्ट है, जो हब होता है वो स्प्लाइन होल होता है, तो दोनों का प्रयोग करके पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो इसी के बारे में बात कर रहा है, वो स्लाइड करके फिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, होनिंग संक्रिया के समय होनिंग मशीन की गति निम्न में से किस प्रकार की होती है। होनिंग जब करते हैं हम लोग,
फिनिशिंग ऑपरेशन है, ज्यादातर अंदरूनी भाग के लिए करते हैं हम लोग, तो इस समय उसका मोशन कैसा रहता है? ऑप्शन दिया वर्टिकल गति, हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग गति दोनों। कई एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी यूपीआर में ये भी आया है, इस बार भी पहले भी आया है। राइट आंसर क्या होगा? डी, समझ में आ रहा चीज? डी होगा। इसके साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें पूछेगा कि कूलेंट कौन यूज होता है, तो ग्रेसिन यूज होता है। हनिंग अलाउंस कितना रहता है? 10 से 20 माइक्रोन। डाइपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? तो 5 से 10 माइक्रोन। समझ में आ रहा चीज? ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए आगे की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव द्वारा निम्न में से किस धातुओं की लैपिंग नहीं की जाती है, ऐसा पूछ रहा है। इसके हम लोग लैपिंग नहीं करेंगे। ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, हाई स्पीड स्टील, नेक्स्ट दिया है कॉपर, और इसके बाद एक और ऑप्शन देख लेते हैं, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी हम लोग नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की हम लोग ये कौन सा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव द्वारा लैपिंग नहीं करते। ये किसके लिए यूज होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील। सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल, सॉफ्ट स्टील मतलब माइल्ड स्टील बोल सकते हैं। एल्युमिनियम नॉन फेरस है, कॉपर नॉन फेरस है, इसके लिए कर सकते हैं ये माइल्ड स्टील, नहीं तो सॉफ्ट स्टील के लिए भी होता है, तो इसके लिए भी कर सकते हैं, हाई स्पीड स्टील के लिए नहीं करते हैं। यही पूछा था, सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन इस तरीके से, निम्न में से किस बेयरिंग में शाफ्ट और बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आती है? प्रत्यक्ष रूप में संपर्क से आना मतलब सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, कौन सा बेयरिंग है? ऑप्शन दिया है बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग और स्प्लिट बेयरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिट बेयरिंग ना, दो भागों में बनी होती है। अब यहाँ पर जो ये बेयरिंग है और शाफ्ट है, डायरेक्ट सतह से सतह संपर्क में आता है, तो ये फ्रिक्शन बेयरिंग में आता है ना। ये बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग, ये सब किस में आते हैं? तो ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आते हैं, क्योंकि इसमें या तो पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा या लाइन कॉन्टेक्ट होगा, इसीलिए तो डायरेक्ट संपर्क इसमें होता है, तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। शाफ्ट का वह भाग जो बेयरिंग में फिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शाफ्ट का वह भाग, जैसे ये बेयरिंग है, जितना इसमें आकर के फिट हुआ है, जितना लंबाई में फिट हुआ है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा कई एक बार पूछा जाता है डीएमआरसी में, कई एक बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन दिया इनर रेस, आउटर रेस, जनरल केज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जनरल बोलते हैं, जनरल, उल्टा पुल्टा नहीं मारना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है विषम आकृति के वर्ग पीसों के फेस पर ड्रिलिंग करने के लिए निम्न में से किस जिग का प्रयोग किया जाता है? विषम आकृति है, कोई शेप फिक्स नहीं है, तो उसके लिए कौन सा यूज होगा? ऑप्शन दिया है टेबल जिग या टर्नओवर जिग, व्यास जिग, डायमीटरल जिग, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सैंडविच जिग और लीफ जिग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विषम आकृति के लिए टेबल जिग या टर्नओवर जिग, राइट आंसर क्या होगा? ए, टेबल के जैसा होता है, इसके नीचे जॉब को रख करके उसके फेस पर ड्रिलिंग कर सकते हैं। अब कैसा भी जॉब रहेगा किसी भी आकार का, तो उस पर हम लोग आराम से ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो टेबल जिग नहीं तो इसी को टर्नओवर जिग बोला जाता है। ट्रूनियन जिग नहीं बोल रहे हैं, टर्नओवर अलग चीज है। ये डायमीटरल जिग गोल जॉब के लिए ना, या सिलिंड्रिकल जॉब के लिए, इसमें भी ब्लॉक होता है और उस क्लाइंब के साथ यूज करते हैं। ये सैंडविच जिग पतले जॉब के लिए, जैसे सैंडविच होता है ना, दो ऊपर नीचे ब्रेड और नीचे बीच में मसाला, प्याज उसके बाद पत्ता गोभी, चटनी, ये सब भर दिया जाता है, तो सैंडविच की भांति जॉब को बीच में रखा जाता है, ड्रिल प्लेट और बेस प्लेट के बीच में रखा जाता है। ये पतले जॉब के लिए होता है, जहाँ पर पतले जॉब को मुड़ने का डर रहता है ड्रिलिंग करते समय, तो पतले जॉब के लिए खूब पूछता है ये कौन सा जिग होता है, तो सैंडविच जिग। लीफ जिग होता है, लीफ यहाँ पर लेचे क्लैंप होता है, तो इसमें हम लोग जॉब को जल्दी जल्दी लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं रख करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर तो ए होगा, बाकी और के लिए भी बता दिए आपको, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आठ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। धातु की थिन सेक्शन की सीटों में परिशुद्धता से ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? थिन, पतला, बताना है। गजनी मुस्कुरा रहा होगा, टेबल जिग, लिप जिग, सैंडविच जिग और यूनिवर्सल जिग, कौन सा जिग होगा? अभी बताए थे ना, जीभ नहीं बोल रहे हैं, जिग बोल रहे हैं, जिग। राइट आंसर क्या होगा? सैंडविच जिग, पतले जॉब, ड्रिल प्लेट और बेस प्लेट के बीच में सैंडविच के भांति जॉब को रख करके ड्रिलिंग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि पतला जॉब है, अगर उसको एक ही तरह से सपोर्ट रखकर ड्रिलिंग करेंगे तो मुड़ जाएगा ना, तो मुड़ने से बचाने के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है जीआई पाइपों का प्रयोग निम्न में से किस तरल पदार्थ की सप्लाई के लिए किया जाता है? ग्लोनाइड आयरन पाइप के द्वारा कौन सा तरल पदार्थ सप्लाई किया जाता है? ऑप्शन दिया है गैस, पानी, तेल और हवा सप्लाई। राइट आंसर क्या होगा? पाइप, पानी, ठीक, जंग भी नहीं लगता है, तो पानी सप्लाई के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट का भंडारा का आधा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ऑप्शन दिया है कास्ट आयरन पाइपों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग ऑप्शन दिया है अधिक बड़ी पानी की पाइपलाइनों में, कम साइज की पाइपलाइनों के लिए, तेल की पाइपलाइनों में, और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है नेक्स्ट दिया है गैस की पाइपलाइनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन जो होते हैं ना ये बड़ी बड़ी अधिक बड़ी पानी की पाइपलाइन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े पाइप। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इस तरीके से इस सेट का 50 क्वेश्चन खत्म हुआ, अभी और है, भंडारा आधा पे है। चलो आराम नहीं करना है, क्योंकि आराम क्या है, हराम है ना, तो दूसरा सेट लगातार स्टार्ट कर लेते हैं। और दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन ये है, चलिए बनाइए इसको, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अच्छे से, थोड़ा सा गैप मिला है। ये एक बार राजधानी एक्सप्रेस है ना, अभी मार्क्स क्यों बता रहे हो, 100 में बताना, अभी थोड़ी कमेंट पढ़ेंगे, अभी कमेंट नहीं पढ़ेंगे ना, अब अलग क्वालिटी। वो सब था स्टार्टर भंडारा का, अब चलेगा इधर मेन कोर्स का, बढ़िया बढ़िया आइटम चलेगा अब इसमें, ठीक है। स्टार्टअप था नॉर्मल चीज, अब भंडारा में ही सब पेट भरने वाला खाना होगा। चलिए अभी यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, थोड़ा लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, ठीक, लाइक करोगे तब ना, कभी कभी 200 भी करा देंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हम लोगों का 50 क्वेश्चन है उसका ये पहला क्वेश्चन है, रूल द्वारा सही माप लेने के लिए, ऑप्शन इस तरीके से दिया है, रूल द्वारा सही माप लेने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है रूल मोटा होना चाहिए, रूल क्रोम स्टील की भांति चमकना चाहिए, रूल कम से कम पतला होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ठीक, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर रूल कम से कम पतला होना चाहिए ना, रूल कम से कम क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, कम से कम पतला, पतला होने से क्या फायदा है, पतला होने से फायदा है इतना पतला रहेगा जॉब के सतह पर क्या होगा, उतना अच्छे से चिपकेगा, चिपकेगा तो एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, क्वेश्चन नंबर टू है, साधारण कैलिपर की धातु होती है, जो साधारण कैलिपर होता है इसका धातु कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है हाई कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, मैग्नीज स्टील और पिटवा लोहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो साधारण कैलिपर होते हैं इनसाइड आउटसाइड कैलिपर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हाई कार्बन स्टील का होता है ना, बाकी माइल्ड स्टील का भी बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील के जो डिवाइडर या कैलिपर होते हैं इनके जो पॉइंट होते हैं हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं, माइल्ड स्टील के जो कैलिपर होते हैं उसके पॉइंट को केज हार्ड किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइप वाइस का साइज लिया जाता है, पाइप वाइस का साइज कैसे लेते हैं हम लोग, पाइप वाइस है, पाइप का नहीं पूछा है, पाइप वाइस। ऑप्शन दिया है स्पिंडल की लंबाई से, इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से, और उसके बाद नेक्स्ट है जा की लंबाई से और जा की चौड़ाई से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा भी इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से, जितना बड़ा से बड़ा डायमीटर का पाइप पकड़ा जा सकता है उसके अनुसार लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पाइप वाइस बनी होती है, पाइप वाइस का मटेरियल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है रॉट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और मीडियम कार्बन स्टील। राइट आंसर क्या होगा, ग्रे कास्ट आयरन होगा ना, भूरा ढल वाला बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जाना जाता है, ये आ गया है यहाँ पे। ऑप्शन देखें तो टॉप चीजल, साइड कट चीजल, कैप चीजल और नोज चीजल, क्या बोलते हैं, पीछे पहले वाले सेट में नाम बताए थे, क्वेश्चन ये नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कैप चीजल बोलते हैं ना, किसके लिए यूज होता है, तो चाबी घाट कीवे बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार हाफ राउंड नोज चीजल की लंबाई कितनी होती है। हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग हम लोग हाफ राउंड शेप के ग्रुप बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, ऑयल ग्रुप बेयरिंग में तेल नाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका लंबाई पूछा गया है 150 से 250 mm होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है, प्रिक पंच का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन दिया डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, और लेग कैलिपर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, स्टील के जॉबों की मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, गोल जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो प्रिक पंच है, कितना एंगल होता है, 30 डिग्री होता है ना, तो नॉन फेरस मेटल पर मार्किंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम कॉपर की सीट पर, नहीं तो सीट मेटल सेक्शन में इसका प्रयोग करते हैं, और डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि पतला पॉइंट होता है तो फाइन मार्किंग होती है और नुकीला मार्किंग होता है। बाकी अगर इससे और भी रिलेटेड देखें तो इससे बता सकते हैं, स्टील जॉबों पर मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, यानी विटनेस मार्क्स लगाने के लिए, साक्ष चिन्ह लगाने के लिए 60 डिग्री डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए 60 डिग्री हो जाएगा, बाकी और के लिए नहीं है।
सेंटर लगाने के लिए सेंटर पंच 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गत्ता चमड़ा कैनवास सीटों में गोलाकार सुराख करने का माध्यम क्या है। गत्ता चमड़ा कैनवास सीट में होल करने का कौन सा पंच यूज करते हैं। ऑप्शन दिया सेंटर पंच, बेल पंच, होलो पंच, और एक और ऑप्शन दिखा देते हैं, तो एक ऑप्शन और है सॉलिड पंच। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल दिया है गत्ता चमड़ा कैनवास सीट, इसमें होल करने के लिए किसका होलो पंच का प्रयोग करते हैं ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, 500 ठेका देना है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वह धातु क्या है जो गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है। बताया है ना, ऑप्शन सॉफ्ट स्टील दिया है, ब्रास दिया है, कास्ट आयरन, मिश्रित इस्पात। राइट आंसर होगा ढलवा लोहा। 2-4% कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, इसीलिए ये भंगुर धातु है, ठंडा गर्म अवस्था दोनों में भंगुर होता है। इसकी फोर्जिंग नहीं कर सकते, 1.7% तक अगर स्टील में कार्बन की मात्रा है तो फोर्जिंग कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए कौन सा फर्नेस लगता है, तो कपोला फर्नेस। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सी धातु है जो अति उत्तम बेयरिंग और स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है। अति उत्तम बेयरिंग और स्लाइडिंग सतह, बेयरिंग मतलब ये भार झेलने से संबंधित है, और स्लाइडिंग सतह स्लाइड करने से संबंधित है। कौन सा मेटल है, ऑप्शन दिया ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात और मिश्रित इस्पात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ढलवा लोहा होगा ना। ढलवा लोहा में ग्रेफाइट की मात्रा होती है, इसलिए ये एक तरीके से ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट है। ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग धातु कास्ट आयरन को बोला जाता है, इसलिए स्लाइड करने में भी आसानी होता है। समझ रहे चीज, और कास्ट आयरन कहीं बेड बनाए जाते हैं क्योंकि ये कंप्रेसिव लोड को ज्यादा झेलता है, क्योंकि इसका कंप्रेसिव लोड झेलने का जो शक्ति होता है 16,000 pounds per square inch होता है, और टेंसाइल में कमजोर होता है, टेंसाइल लोड झेलने में कमजोर होता है, उसकी स्ट्रेंथ बताया जाए तो 4,000 pounds per square inch झेल सकता है। तो बेयरिंग सतह यानी भार अच्छे से झेलता है, और फिर स्लाइडिंग सरफेस भी क्या होती है, अच्छी होती है, यही कारण है मशीन बेड बनाने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव के अंदर और स्पिंडल के ऊपर निम्न में से कितनी पिच की चूड़ी कटी होती है। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर और जो स्लीव भाव या बर्न होता है उसके अंदर कितने एमएम पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। तो माइक्रोमीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है ना, तो ये लीड और पिच के सिद्धांत पर, नहीं तो नट और स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो थ्रेड होता है, बी थ्रेड, मैट्रिक बी थ्रेड होती है, जिसका एंगल 60 डिग्री होता है, पिच कितना होता है, तो 0.5 mm होता है। तो वही पूछा है कि कितने mm पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर, 0.5 mm। एक पूरा चक्कर घुमाएंगे तो कितना आगे जाता है, 0.5 mm। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि थिम्बिल पर टोटल 50 डिवीजन होती है, पूरा थिम्बिल को एक चक्कर घुमाकर जीरो पर ला दिया जाए तो कितना आगे बढ़ेगा स्पिंडल, तो आधा एमएम बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है। माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉप होता है इसका क्या काम होता है, प्रेशर को कंट्रोल करना, जॉब को शुद्ध माप लेना, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर दोनों हो जाएगा ना, प्रेशर कंट्रोल करना है या यूनिफॉर्म प्रेशर, एक समान दाब लगाना, और एक समान दाब लगा करके हम लोग जॉब की शुद्ध माप ले सकते हैं। तो दोनों काम है, सी राइट आंसर होगा, ये दोनों कामों के लिए। रैचेट स्टॉप के ऊपर जो थ्रेड होता है बटरस थ्रेड, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर से कम साइज के सैंक वाले ड्रिल को बांधने के लिए माध्यम क्या होता है। ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल नोज है उससे छोटे साइज के ड्रिल है उसको पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन दिया है ड्रिल चक, ड्रिल सॉकेट, ड्रिल स्लीव और एडाप्टर। तो राइट आंसर क्या होगा, छोटा हो रहा है सैंक तो क्या करोगे, कपड़ा लगा के लगा दोगे ना, नहीं तो जूट का बोरा लगा देंगे, लपेट के लगा देंगे, टाइट हो जाएगा, तो क्या पकड़ते हैं हम, तो स्लीव का प्रयोग करते हैं ना, स्लीव लगा देंगे और स्लीव के साथ फिर इसको लगाएंगे। जब टेपर सैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल से बड़ा होता है यानी होल छोटा हो गया स्पिंडल का, तो सॉकेट का प्रयोग करते हैं, और स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में टेपर बोर से कम है तो इसका प्रयोग करेंगे, ड्रिल स्लीव का, तो स्लीव और सॉकेट का ऐसा यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है टैप द्वारा चूड़ी काटने के लिए ड्रिल होल किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं और बढ़िया तरीके से समझा देते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑप्शन दिया है कोर टाइप के कोर डायमीटर के बराबर, या टाइप के छोटे डायमीटर के बराबर, टाइप के बड़े डायमीटर के बराबर, टाइप के साइज के बराबर, और दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, टाइपिंग जब हम लोग करते हैं तो टाइपिंग करने के लिए जो होल होता है वो किस डायमीटर, टाइप के किस डायमीटर के बराबर होता है, तो टाइप के कोर डायमीटर के बराबर होता है या छोटे डायमीटर के बराबर होता है, ए आंसर। इसको चार्ट के रखे रहते हो, लेकिन यहाँ पर देखो आज इसका कहानी क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम देना बस, ये कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, ये मान के चलिए ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है, इस तरीके से टाइप,
तो इसमें सबसे पहले अगर टर्म डिफाइंड करें तो जो काम है उसको डिफाइंड कर देते हैं। अगर मेजर डायमीटर के बारे में बात करें तो क्रेस्ट क्रेस्ट तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर बोलते हैं ना। थ्रेड का नीचे वाला भाग रूट कहलाता है, ऊपर वाला क्रेस्ट कहलाता है, और क्रेस्ट क्रेस्ट और रूट से बीच की जो लंबवत दूरी है इसको हम लोग डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं। और ये मेट्रिक थ्रेड है तो 0.61 इंटू क्या 0.6134 इंटू पिच होता है, तो दो अंक ही ले रहे। ये डेप्थ एक तरफ की 0.61 इंटू क्या होता है, पिच होता है। तो ये तो मेजर डायमीटर हो गया। ये रूट से रूट तक मापी गई जो व्यास होती है, ये बड़ा डायमीटर है, रूट से रूट तक मापी गई जो व्यास होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा डायमीटर। इसको लिख देते हैं छोटा डायमीटर, सिंबल देंगे तो पहले से वो छोटा डी यूज कर लिया है डेप्थ के लिए, इसी ने ये नहीं ले रहा है, छोटा व्यास, छोटा व्यास। और इसके बाद एक और है ना डायमीटर, ये जो ये गहराई होती है, गहराई रूट से लेकर क्रेस्ट तक के बीच की जो दूरी होती है इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ होता है, इस लाइन को हम लोग पिच लाइन बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक लाइन होती है। और यहाँ से जो डायमीटर डिफाइंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर बोलते हैं, डीपीपी, पिच डायमीटर। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग टाइप ड्रिल साइज निकालते हैं, टीडीएस, टीडीएस बराबर निकालते हैं तो ये क्या होता है, टाइप साइज डी माइनस डी माइनस क्या लिखते हैं, 2D लिखते हैं ना, यही तो लिखते हैं, मेजर डायमीटर माइनस 2D, ये डेप्थ ऑफ थ्रेड है। अब यहाँ पर माइनर डायमीटर, छोटा व्यास अगर हम लोग निकालना चाहें इसका, छोटा व्यास, छोटा व्यास इसके अनुसार निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, छोटा व्यास निकालना है, बड़ा व्यास यहाँ से यहाँ तक है, छोटा व्यास यहाँ से यहाँ तक है, रूट से रूट तक की दूरी अगर हम लोगों को ये बड़े डायमीटर में से अगर यहाँ से इतना, यहाँ से ये इतना और यहाँ का ये इतना अगर पता चल जाए, यहाँ का इधर का इतना, इधर का इतना पता चल जाए, तो बड़े में से अगर इसको इसको जो इधर का डी और इधर का डी घटा दें तो क्या मिलेगा, छोटा व्यास मिलेगा कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये दूरी कितना है, ये दूरी इधर का सिंगल डेप्थ है ना, डी है, इसको हम लोग सिंगल डेप्थ बोलते हैं। इधर की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डेप्थ बोलते हैं। तो अगर इधर की ये दूरी इतना, इधर की ये दूरी इतना, इन दोनों को जोड़ करके और बड़े डायमीटर्स में से घटा दें तो ये घट के यहाँ, ये घट के यहाँ, बचेगा कौन, तो यही तो बचेगा। तो इधर बड़े डायमीटर में से इसको डी प्लस डी, दोनों तरफ का डी प्लस डी जोड़ करके घटा देते हैं तो डी माइनस क्या हो जाएगा, 2D होगा, यानी डेप्थ का दुगुना। ये डबल डेप्थ बोलते हैं, एक तरफ के गहराई को सिंगल डेप्थ बोलते हैं। तो अब देखिए ना यहाँ पे टैप ड्रिल साइज जब हम लोग निकालते हैं तो TDS यही होता है फॉर्मूला, और छोटा व्यास भी निकाले तो यही आ गया डी माइनस 2D। और ये बात अलग है कि इसमें और अगर बढ़ाओगे फॉर्मूले को तो डेप्थ 0.61 इंटू क्या होता है, पिच होता है ना मेट्रिक के लिए। अब इसका अगर टैप ड्रिल साइज निकालना है, अगर इसका वैल्यू रख दें तो d माइनस उस फॉर्मूले में d माइनस 2D में तो 2 इंटू डेप्थ का फर कितना आया है, ये 0.61 इंटू पिच रख देते हैं d की जगह पर, 0.61 इंटू क्या रख देते हैं, पिच। तो यहाँ पर TDS, TDS बराबर क्या होगा, d माइनस इसको गुना कर देते हैं 1.22 इंटू क्या कर दे, पिच। तो ये फाइनल फॉर्मूला टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसके द्वारा निकालेंगे तो 100% डेप्थ की थ्रेड बनती है, 100% गहराई इस होल में मिलेगी, 100% गहराई मिलेगी। और एक होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसमें टाइप ड्रिल साइज हम लोग निकालते हैं TDS, तो ये किसके बराबर होता है, तो डी माइनस पिच होता है, बड़े डायमीटर में से केवल पिच को घटा देते हैं मेजर डायमीटर में से। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे M10 टाइप है, M10 टाइप इंटू इसकी पिच क्या होती है 1.5, तो M10 टाइप अगर इस 100% फॉर्मूला से निकालेंगे तो जो TDS आता है टाइप ड्रिल साइज आएगा 8.17 mm आएगा। और इसके द्वारा अगर प्रैक्टिकल अप्रोच यानी पिच घटा करके निकाले तो TDS बराबर कितना आता है, 8.5 mm आता है, पिच घटा दोगे तो, प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं। तो इसमें ये होल छोटा है, ये होल बड़ा है, अगर इस होल में M10 टाइप को डालोगे, छोटा होल है, तो थ्रेड पूरी गहराई में बनेगी ना, इसलिए इसको 100% डेप्थ फॉर्मूला बोलते हैं। इसको हम लोग 60%, क्योंकि होल ये बड़ा है 8.5 mm का है, तो 60% तक गहराई बनेगा, तो 60% तक भी अगर गहराई थ्रेड में मिल जाए तो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए सुटेबल होता है, यूज कर सकते हैं, भार को झेल सकता है, नट बोल्ट पे ही तो थ्रेड रहेगा, नट के अंदर होता है, अंदरूनी थ्रेड काटेंगे तो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए सुटेबल होता है, भार झेल सकता है, इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं। अब असमंजस ये रहता है बहुत ज़्यादा कि दोनों अगर ऑप्शन में दे दे तो किसको मारो, तो हमेशा बेस्ट चुनने का तरीका बताए, हमेशा बेस्ट मारना, दोनों दिया रहे अगर M10 के लिए तो 8.17 मारना है, अगर एक दिया रहे तो फिर मजे की बात है, 8.5 मारकर चल दो, कैसे पता चलेगा कि दोनों दिया है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच पहले लगा दो ना, डी माइनस पिच लगा दो, डी माइनस पिच लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 8.5 mm घटाने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, है तो ठीक है,
फिर देखो कि उससे थोड़ा छोटा होल कोई दे रहा है क्या, क्योंकि 100% होल वाला जो होगा वो होल क्या हो रहा है, 100% गहराई थ्रेड जो देगा वो होल छोटा रहेगा हमेशा। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, बोले है ना न्यूमेरिकल सीरीज लेके आएंगे तो पूरा वहां पर धुआं उड़ा देंगे। अगर यहां पर देखे टैप ड्रिल साइज, ये भी हम लोग निकालते हैं तो छोटा व्यास भी है, और इसका छोटा व्यास भी निकाले तो यही आया D-2D आया। फॉर्मूला में अंतर है क्या? नहीं अंतर है। इसीलिए जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय जो टैप ड्रिल साइज यानी उसके लिए जो होल करते हैं वो टैप के कोर डायमीटर के बराबर होता है या छोटा डायमीटर के बराबर होता है। ये चार्ट के बैठा था, आज देख लिया होगा कैसे कोर डायमीटर के बराबर हो रहा है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है निम्न में से किस टूल का प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है? धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है फुलर्स, स्विच ब्लॉक, हार्डी और ड्रिफ्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर के लिए अगर देखें तो हार्डी का प्रयोग करना है। ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल होता है हार्डी, जिसको तली चीजल भी बोलते हैं हम लोग। ये हमेशा हॉट सेट के साथ प्रयोग होता है फोर्जिंग में गर्म धातुओं को काटने के लिए। नीचे ये रहेगा, इसका सैंक जो होता है ये वर्गाकार होता है और टेपर होता है। जो एनिबिल में हार्डी होल होता है वो वर्गाकार होता है, उसी में इसका सैंक फिट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है हार्डी तली चीजल। तो कटिंग टूल में आता है ये। बाकी फुलर्स नेकिंग या ग्रूविंग के लिए यूज होता है फोर्जिंग में। स्वेज ब्लॉक जो होते हैं ये पहले से बना बनाया कास्ट स्टील का ब्लॉक होता है, जिसके किनारे पर अलग अलग ग्रूव होते हैं, हाफ राउंड शेप के बिग ग्रूव, तो हाफ राउंड शेप या बिग ग्रूव बना सकते हैं। बीच में होल होता है अलग अलग तरीके का, तो उस पर रख करके हम लोग गर्म अवस्था में धातुओं में पंचिंग भी कर सकते हैं या ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट होता है यहाँ पर, ड्रिफ्ट किसका ये है? तो ये पंच, ये फोर्जिंग वाला ही है। तो पहले से जो किया गया पंच्ड होल होगा उसको बड़ा करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है निम्न में से किस फोर्जिंग टूल का प्रयोग फोर्ज की हीट को कम करने के लिए तथा हीट को फोर्ज के मध्य में बीच में रखने के लिए किया जाता है? ऐसा डिस्कशन किए कौन सा है फोर्जिंग टूल? शॉवल, रैक, स्प्रिंकलर और हुड। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? स्प्रिंकलर होगा ना। स्प्रिंकलर छननी के जैसा होते, चलनी के जैसा, और इसमें पानी को डाल करके और फुहारा के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं, तो हीट कम हो जाता है। नहीं तो जो फोर्ज होती है उसके बाहरी रिंग को गीला करके रखते हैं ताकि मैक्सिमम हीट कहाँ रहे, बीच में रहे, सेंटर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी सोवेल कोयले को उठा को डालने के लिए या जला हुए कोयले को बाहर निकालने के लिए, रैक जो होता है या पोकर, तो नोजल के पास जो कोयले जले हुए कोयले आ जाते हैं उसको हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, और हुड जो होता है चिमनी धुआं निकालने के लिए होता है, तो धुआं नत निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंकलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 डिग्री अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कमरे के तापमान पर रूम टेम्परेचर पर स्थिर हवा स्टील एयर, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। ही ट्रीटमेंट का ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये नॉर्मलाइजिंग होता है ना, नॉर्मलाइजिंग के लिए सबसे मेन बात यही है स्टील एयर और रूम टेम्परेचर, स्थिर हवा, पूरा हवा का झोंका नहीं देना है बिना हाक के हाथ से, नहीं तो पंखा चला के ऐसा नहीं देते हैं, गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म करने के बाद जितना तेज गति से ठंडा करेंगे जॉब में उतना ही हार्डनेस आएगा, जितना धीरे धीरे ठंडा करेंगे हार्डनेस कम आएगा। नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पस होता है जो जॉब होते हैं बेंडिंग मोड़ने के कारण या रोलिंग के कारण सीट बना दी है उसको, तो उसमें जो अंदरूनी खिंचाव तनाव आ जाता है उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में, उसके जो अंदर ग्रेन होते हैं उसको फिर से नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए गर्म करके और धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो अंदरूनी खिंचाव और तनाव को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, तो धीरे धीरे ठंडा करते हैं। बाकी हार्डनिंग में क्या करते हैं? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करके और फिर इसको अलग अलग हार्डनेस के लिए हम लोग अलग अलग क्विंचिंग मीडिया यूज करते हैं, समन माध्यम जिसको बोलते हैं ना, जिसमें ब्राइन सोल्यूशन होता है, उसके बाद ये ऑयल वाटर होता है, एयर होता है, और फिर ब्राइन सॉल्यूशन, फिर वाटर, ऑयल और एयर। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मीडियम होते हैं वो वाटर और ऑयल प्रयोग किए जाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, तो जितना ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस आएगा। इसको सजाने के लिए बोलता है कि सबसे ज़्यादा हार्डनेस किस में मिलेगा, तो ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन कोई भारी चीज़ नहीं है, इसमें क्या होता है तो ये नमक और पानी का ही घोल होता है जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। तो ब्राइन सॉल्यूशन में सबसे तेज गति से ठंडा होता है तो हार्डनेस ज्यादा मिलेगा। उसके बाद वाटर का नंबर आता है, ब्राइन सॉल्यूशन थोड़ा धीरे गति से ठंडा होगा। उसके बाद आता है ऑयल का नंबर इंटरमीडिएट क्विंचिंग के लिए, और हवा का नंबर सबसे अंत में आता है। यूपीआर भिनेल में ये भी क्वेश्चन पूछा है, पहले भी पूछा है, इस बार भी पूछा है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, जितना पढ़ा है यूट्यूब से भी पढ़ा होगा तो धुआं उड़ा क्या गया होगा इस बार यूपीआर भिनेल में। समझ में आ चीज, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ करके, दो चार क्वेश्चन छोड़ करके पूरा उड़ा दिया होगा, और यहाँ का तो है ये है कमाल कर रखा है सब। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब बता दिए ना। एनिलिंग, एनिलिंग के लिए मेन
मेन चीज होता है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करके, नहीं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 830 से 850 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करके और भट्टियों में ही हम लोग इसको ढक करके राख से नहीं तो बुझे हुए चूने से और धीरे धीरे ठंडा होने के लिए होने देते हैं। जितना धीरे धीरे ठंडा होगा जब क्या होगा, मुलायम होगा। तो एनिलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, एनिलिंग का मेन पर्पस होता है ये मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाना, थोड़ा सा सॉफ्टनेस का गुण लाना। मशीनेबिलिटी का गुण मतलब आसानी से मशीनों के ऊपर काटा जा सके, ठीक। तो इसके लिए प्रोसेस भी पूछा जाता है कि भट्टी में ठंडा करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलिंग। ये यूपीआरबी में दिया है, इसका आंसर गलती मार सकते हो। एनिलिंग अगर पूछा है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजिंग आंसर मार दिया। टेम्परिंग का मेन पर्पस होता है जब हम लोग हार्डिंग और हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के दौरान ब्रिटलनेस आ जाता है जॉब में, तो ब्रिटलनेस को कम करना और टफनेस को बढ़ाना ये किसका काम होता है, टेम्परिंग का। ये सारा प्रोसेस उड़ा दिया यहाँ पे और चारों क्वेश्चन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बनता है, तो वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, अधिक हैमरिंग से प्रभावित स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाएंगे। अभी इसी से रिलेटेड अभी बताए थे ना, हैमरिंग बेंडिंग या रोलिंग के बाद धातुओं को फिर से समान अवस्था में नॉर्मल अवस्था में लाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। एक जगह बताएंगे, 4 जगह उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा, हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग। समझ मेरा चीज, सी अंदरूनी खिंचाव तनाव से क्या करना है, मुक्त करना है, तो नॉर्मलाइजिंग मेन पर्पस में बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बेंच प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, नहीं तो इसको स्टैक प्लेट भी बोलते हैं हम लोग। शीट मेटल शॉप में प्रयोग किया जाने वाला ये औजार है। ऑप्शन इस तरीके से दिया, स्टैक को पकड़ने के लिए, एनविल के लिए, चोट लगाने के लिए। अब डिस्कशन में आधा आंसर बता दिया, देखते हैं कौन किसी का दिमाग सही सलामत अभी तक बचा है कि खोपड़ी उड़ गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, बेंच प्लेट का प्रयोग, नहीं तो स्टैक प्लेट। तो स्टैक को पकड़ने के लिए ना इसमें होल होता है वर्गाकार, जो स्टैक होते हैं जैसे फनल स्टैक है, हाफ मून स्टैक है, हैचेट स्टैक है, इन सब स्टैक का सैंक होता है, स्क्वायर होता है। तो उसको पकड़ने के लिए एक हम लोग स्टैक प्लेट यूज करते हैं, उसमें स्क्वायर होल होता है, उसके सैंक को उसमें डाल करके और उस स्टैक के ऊपर में धातु को रख करके और अलग अलग तरीके से हम लोग मोड़ करके जॉब बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बोले थे ना दूसरा जो भंडारा है मेन कोर्स में आता है, पूरा भोजन मिले पेट फट जाएगा, तो वही कहानी चल रहा है। लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, रिविटिंग के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। रिविटिंग के लिए हम लोग कौन सा हथौड़ा यूज करते हैं। ऑप्शन दिया है क्लाहैमर, नरम हथौड़ा, मैलेट और बॉल पिन हैमर। रिविटिंग के लिए तो ये तो सिंपल है ना, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर के लिए देखें तो इसका जो पिन होता है अर्धगोलाकार बॉल के जैसा बना होता है। रिविटिंग के लिए या चारों दिशाओं में धातु को फैलाने के लिए बोले तो इसके लिए यही मारेंगे हम लोग, ठीक। चारों दिशाओं में अगर धातु को फैलाना, रिविटिंग करते हैं तो चारों दिशा में धातु फैलता है ना, तो इसके लिए बॉल पिन हैमर। और मार्किंग के लिए जो बॉल पिन हैमर का भार होता है वो 250 ग्राम, और भी बताए हैं कि 500 ग्राम भार के हैमर की जो हैंडल की लंबाई होगी वो कितना होता है, 325 mm। माइल्ड स्टील की सीटों को जोड़ने के लिए निम्न में से किस धातु के रिवेट का प्रयोग करेंगे। माइल्ड स्टील की सीट को जोड़ना है, ऑप्शन दिया है कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम और वॉट आयरन। यहाँ पर कोशिश ये रहता है जब सीट की रिवेटिंग करते हैं तो जो धातु है उसी का हम लोग रिवेट का भी प्रयोग करें। यहाँ पर माइल्ड स्टील नहीं दिया है, तो यहाँ पर माइल्ड स्टील नहीं दिया है तो वॉट आयरन मारेंगे ना, मजबूत होता है, सबसे ज्यादा मजबूत रिवेट यही होता है वॉट आयरन। शुद्ध लोहा होता है ना, 99.9% तक इसमें आयरन होती है, शुद्ध लोहा। पुडलिंग फर्नेस में बनाते हैं, 0.02% से 0.03% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, तो टफनेस का गुण अच्छा होता है, तो सबसे मजबूत रिवेट इसी के बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कॉपर की सीटों को जोड़ने के लिए निम्न में से किस धातु के रिवेट का प्रयोग करेंगे। अब कॉपर अभी बताए थे ना, गजनी मुस्कुरा रहा होगा, सर बोले थे जौन सा धातु है उसी के रिबिट का प्रयोग कर देंगे। तो ऑप्शन में दिया है ब्रास, कॉपर, रॉट आयरन और फिर एल्युमिनियम। तो किसको जोड़ना है भाई, तो कॉपर को ना, तो कॉपर के लिए कौन लगेगा, कॉपर ही रहेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी कॉपर। तो मेरा चीज, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है सोल्डरिंग से हानियां है, सोल्डरिंग के क्या डिसएडवांटेज है। ऑप्शन दिया है सोल्डरिंग ज्वाइंट अधिक तापमान पर खुल जाता है, मोटे सेक्शन की सीटों पर नहीं लगाया जा सकता है, सोल्डरिंग कच्चा ज्वाइंट होता है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये सब डिसएडवांटेज ही दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन है, नन करोजी फ्लक्स के अंतर्गत कौन आते हैं? नन करोजी ऐसे फ्लक्स जिसको धातु सतह पर अगर ज्यादा देर तक छोड़ भी दे तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको काटता नहीं। जबकि करोजी फ्लक्स का नेचर होता है, इसमें खास करके एसिड आती है, वो धातुओं को ज्यादा देर तक अगर सतह पर रह जाए तो काट देता है, क्षरण कर देता है। करोजी फ्लक्स में नन करोजी के बारे में पूछा है, तो नन करोजी में कौन सा आएगा? ऑप्शन बताइए, इसमें आंसर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बोरेक्स ना सुहागा नॉन कोरोजिव में आता है, ठीक। बाकी जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये सब किस में आता है? तो ये करोजिव फ्लक्स में आता है। नॉन करोजिव फ्लक्स को हम लोग ऑर्गेनिक फ्लक्स भी बोलते हैं, कार्बनिक फ्लक्स। तो बोरेक्स जिसको सुहागा बोला जाता है, ब्रेजिंग में भी यूज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन नंबर 25 है, वेल्डिंग शॉप में वेल्ड जोड़ को चेक करने के लिए तथा स्लैग को हटाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? स्लैग हटाना मतलब जो धातु की पपड़ी होती है, मैल होती है, उसको हटाने के लिए, ठीक। अगर यहां पर देखें तो वायर ब्रश दिया है, फ्लैट फाइल दिया है, चिपिंग हैमर दिया है, और इसके बाद नेक्स्ट दिया है चीजल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर वेल्डिंग शॉप में प्रयोग करने के लिए जो ये जो स्लैग होती है उसको हटाने के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर एक तरह से नुकीला होता है, और मटेरियल पूछा है इसका तो हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, ये जो इसमें एक वायर ब्रश दिया है, जो तार की लकड़ी के ऊपर तार लगा हुआ होता है, जब हम लोग चिपिंग कर देते हैं ना तो और भी काला काला परत होगा, तो तार को रगड़ करके हम लोग साफ कर देते हैं, समझ में आ रही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन है वेल्ड शॉप में प्रयोग होने वाले स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? वेल्डिंग शॉप में जो स्क्राइबर यूज होता है उसका एंगल पूछा है, 5 से 6 डिग्री, 8 से 10 डिग्री, 12 से 15, 20 से 25 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर 12 से 15 डिग्री ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वेल्डिंग शॉप में आ गया तो उसका एंगल ही बदल जाएगा, वही स्क्राइबर है जिसे मार्किंग करते थे हम लोग, तो 12 से 15 डिग्री होगा, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है ड्रिल संख्या श्रेणी में सबसे छोटे ड्रिल का साइज क्या होता है? नंबर सीरीज में जो ड्रिल होते हैं 1 से 80 नंबर तक मिलते हैं, तो सबसे छोटा जो होता है 80 नंबर वाला होता है, और सबसे छोटे ड्रिल का साइज जो एमएम में बताएं, ये ध्यान रखिएगा 0.35 mm होता है, 80 नंबर वाला सबसे छोटा, और 1 नंबर क्या होता है सबसे बड़ा। तो इससे रिलेटेड भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ड्रिल संख्या श्रेणी में सबसे बड़े ड्रिल का साइज कितना होता है? सबसे बड़ा ड्रिल साइज जो होता है ये 1 नंबर वाला होता है, उसके लिए अगर देखें तो कौन सा होता है? 5.791 mm होता है सबसे बड़ा, समझ में आ रहा चीज। लाइक कर दो सभी लोग, लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है निम्न में से चूड़ियों की पिच किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, चूड़ियों की पिच किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन ही पूछा है, तो आराम से आंसर को पढ़ना है और बताना है। दो मुंह वाली चूड़ी में नट एक चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसको पिच बोलेंगे। यह चूड़ी प्रति इंच के बराबर होती है, यह हेलिक्स कोण के समान होती है, एक चूड़ी के मध्य से साथ वाली चूड़ी के मध्य तक अक्ष रेखा के समानांतर मापी गई दूरी, गजनी समझ गया होगा कहां पर लोचा है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा ना, एक चूड़ी से के बीच से दूसरे चूड़ी के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग पिच बोलते हैं, जो कि एक्सियल डायरेक्शन में, जैसे कई एक बार बताते आए, एक्सिस के समानांतर मापा जाता है ना, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी है, इसको मापोगे तो कैसे मापोगे? अगर ये थ्रेड की एक्सिस है तो इसके समानांतर ही तो मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है, अब इसमें देखना कितना लोग लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 30, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विस्तार थ्रेड की चूड़ी का कोण का मान कितना होता है? BSW का एंगल पूछा है, ऑप्शन दिया 29 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और एक और ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर चलिए बी मार रहा है, लौट गया ना, एगो 50 डिग्री मार रहा है, देखा कि 55 नहीं दिया तो मार देते हैं 50, अरे 55 नहीं दिया तो नॉन ऑफ दिज तो दिया है, अच्छा ये भी भाग रहा है, नॉन ऑफ दिज भी तो दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिज, इसका एंगल होता है 55 डिग्री, BSW का ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थवर्थ थ्रेड या BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड या BSA ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, सबका एंगल 55 डिग्री होता है। अब नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिज मार देंगे, ये दिया ही है, समझ में आ चीज। नहीं तो ऐसे भी तो पता था गजनी कि बताए थे कि जो छुपा रहता है वही आंसर होता है, तो यहाँ छुपा हुआ था, ऐसे भी तो मार सकते थे। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके ढूंढने लगना है, जो छुपा हुआ है उसी को मारे। क्वेश्चन नंबर 31, ढलवा लोहे की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे? कास्ट आयरन की ग्राइंडिंग करना है तो
तो कास्ट आयरन की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का। क्या होगा इसके लिए, हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जो मटेरियल होते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, ठीक, टूल स्टील हो गया, इसकी ग्राइंडिंग करना है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सी होगा, बी नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। लो टेंसाइल वाले जो मटेरियल होते हैं इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लो टेंसाइल मतलब जैसे अगर यहां पर देखें ढलवा लोहा पूछा है ना, तो ढलवा लोहा 31 का सी है सिलिकॉन कार्बाइड, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला, ये लो टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ वाले मटेरियल के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे ढलवा लोहा। ढलवा लोहा क्या है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, टेंशन ज्यादा नहीं झेलता है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील इसके लिए, ठीक। तो इसका आंसर करेक्ट हम लोगों का सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन है कार्बाइड टिप टूलों की ग्राइंडिंग के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव कण का प्रयोग करेंगे। कार्बाइड टिप टूल की ग्राइंडिंग करना है तो कार्बाइड टिप टूल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड और डायमंड। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होगा। कार्बाइड टिप टूलों की ग्राइंडिंग के लिए कई एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। अगर ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड ना रहे, डायरेक्ट खाली सिलिकॉन कार्बाइड भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलिकॉन कार्बाइड को ही मार सकते हैं, समझ में आ रहा चीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है स्लिप गेज सेट 4 ग्रेड में मिलते हैं, जिनमें से किस ग्रेड का प्रयोग रिफरेंस कार्यों के लिए करते हैं। अब रिफरेंस कार्य के लिए यहाँ पर देखें तो कौन सा है, बहुत जगह ये गलत मिलता है, जैसा बताया है आपको पढ़ाए हैं थ्योरी के दौरान भी, उसी तरीके से इसको ध्यान रखना है, हर जगह करेक्ट होगा। ऑप्शन दिया है 0, ग्रेड 0, ग्रेड 1, उसके बाद और ऑप्शन देख लेते हैं। इसके लिए पूछा है यहाँ पे, तो पूछा है रिफरेंस के लिए या कैलिब्रेशन के लिए, तो ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 0, 0। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रेड 0, 0 डी आंसर हो जाएगा। ग्रेड 0, 0 होता है, इसको रेफरेंस ग्रेड नहीं तो कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं, जैसा बता रहे हैं वैसे ही ध्यान रखना है, रेफरेंस या कैलिब्रेशन ग्रेड बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर गलत भी मिलता है ये। ग्रेड जीरो होता है, इसको हम लोग इंस्पेक्शन ग्रेड बोलते हैं, जांच के लिए प्रयोग करते हैं, और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होता है, इनको दोनों को हम लोग वर्कशॉप ग्रेड बोलते हैं, वर्कशॉप ग्रेड बोलते हैं। तो अंतर कहाँ पर है, अंतर यहाँ पर है, ग्रेड वन का प्रयोग हम लोग टूल रूम में करते हैं, टूल रूम जो होती है वर्कशॉप में होती है, लेकिन वहां पर साधारण कार्यों के मुकाबले टूल रूम में ज्यादा शुद्धता की जरूरत होती है, इसलिए ग्रेड वन यूज होता है, जबकि साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप में ग्रेड टू यूज होता है। सो मेरा चीज राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वर्कशॉप में कार्य खंडे को चेक करने के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर बताए ना, वर्कशॉप में कार्यखंड को चेक करने के लिए, कार्यखंड मतलब साधारण कार्यों के लिए, जॉब को चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 0, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या अगर देखें यहाँ पर, तो ग्रेड 2 हो जाएगा ना, साधारण कार्यों के लिए, ये टूल रूम ग्रेड होता है, ये जांच के लिए होता है, ये रिफरेंस या कैलिब्रेशन सेम बात है, समझ में आ रहा चीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, श्रिंकेज फिट का सर्वोत्तम उदाहरण है, श्रिंक फिट का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है। ऑप्शन दिया साइकिल के पहिए पर फिट टायर, फ्लाई व्हील पर फिट शाफ्ट, स्कूटर के पहिए पर फिट टायर, बैलगाड़ी के पहिए पर फिट रिंग। राइट आंसर क्या होगा, तो बैलगाड़ी के पहिए पर जो फिट रिम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज फिट बोलते हैं। श्रिंकेज मतलब क्या होता है, सिकुड़ना ना, इसमें होल वाले पार्ट को गर्म करके और शाफ्ट वाले पार्ट में जबरदस्ती हम लोग क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो होल वाला पार्ट जब ठंडा होता है तो सिकुड़ करके शाफ्ट को क्या कर लेता है, जाम कर लेता है। अब यहाँ पर जो बैलगाड़ी का पहिया होता है लकड़ी का, उसके ऊपर रिम चढ़ा देते हैं, तो रिम यहाँ पर होल है और लकड़ी का पहिया क्या है, शाफ्ट है। तो होल वाले पार्ट को, रिम को ही गर्म करते हैं, गर्म करके और उसको ऊपर में लकड़ी के ऊपर चढ़ा करके और फिर पानी डाल देते हैं, नहीं तो लकड़ी को जला देगा, तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक और एग्जांपल है ना, रेलवे एक्सल और जो व्हील होता है, किस में आता है, तो ये आता है श्रिंक फिट में, होल बेसिस पद्धति में। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, ऑप्शन दिया शाफ्ट का साइज होल से बड़ा होता है, होल का साइज शाफ्ट से बड़ा होता है, और इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो होल का साइज स्थिर रहता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस शाफ्ट पर दी जाती है, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शाफ्ट का साइज स्थिर रहता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है। तो होल बेसिस सिस्टम है ना, तो होल का साइज क्या रहता है, स्थिर, और अलग अलग फिट प्राप्त करना होता है शाफ्ट को चेंज करते हैं, तो स्वीकृत टॉलरेंस मतलब छूट हम लोग किस पर देते हैं, शाफ्ट पर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी है, ऊपर में एक ऑप्शन था ना, सी है, ऊपर में एक ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी। अगर यही पूछता शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट स्थिर रहता है और टॉलरेंस हम लोग होल पर देते हैं, होल को चेंज करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग होल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं क्योंकि होल को स्टैंडर्ड टूल के द्वारा बनाना आसान है और शाफ्ट को चेंज करना आसान होता है, टर्निंग करके शाफ्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल के द्वारा होल को तो बना सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लेकिन शाफ्ट को यहाँ पर टर्निंग के द्वारा अलग अलग साइजों में बनाकर फिट कर सकते हैं। अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम यूज करते तो होल को अलग अलग साइज में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल मिलेगा ना, इसलिए होल बेसिस सिस्टम यूज होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि होल बेसिस सिस्टम में होल का अपर डेविएशन क्या होता है, जीरो, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, टेपर टर्निंग के समय टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग की जाती है, टेपर टर्निंग जब हम लोग करते हैं तो टेल स्टॉक की ऑफसेट कैसे करते हैं, तो ऑप्शन दिया है टेल स्टॉक का आधार ऑफसेट करके, टेल स्टॉक का स्पिंडल ऑफसेट करके, टेल स्टॉक की ऊपरी बॉडी ऑफसेट करके और पूरा टेल स्टॉक ऑफसेट करके। तो राइट आंसर क्या होगा, टेल स्टॉक में दो पार्ट है, एक आधार है और एक बॉडी है, बेस है और बॉडी है, तो टेल स्टॉक के ऊपरी बॉडी को ऑफसेट करते हैं, सी राइट आंसर होगा, टेल स्टॉक के ऊपरी बॉडी को एक्सिस ऑफसेट करते हैं। तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि किसके लिए यूज होता है, तो बड़े लंबाई के, ज्यादा लंबाई में और कम एंगल के टेपर को काटने के लिए हम लोग टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा चीज, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। यह भी पूछा जाता है कि टेल स्टॉक का जो ऑफसेट देते हैं हम लोग किसमें देते हैं, एमएम में कि डिग्री में, तो एमएम में दिया जाता है, मैक्सिमम जो लेंथ होती है किसी में 8 mm तक ऑफसेट कर सकता है, किसी में 10 mm तक रहता है, ज्यादा ऑफसेट नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा ऑफसेट करेंगे तो सेंटर ज्यादा दूर जाएगा, तो जब सेंटर से क्या होगा, छूट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा जब हम लोग ऑफसेट निकालते हैं तो ऑफसेट के लिए फार्मूला भी है ना, ऑफसेट का फार्मूला क्या होता है, ऑफसेट का फार्मूला होता है जॉब की कुल लंबाई इंटू बड़ा टेपर का बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेपर का लंबाई, टेल स्टॉक ऑफसेट है। कई एक बार इस तरीके से इस फार्मूले पर भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, जब न्यूमेरिकल सीरीज कराएंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है टर्निंग टूल में क्रेटर वियर निम्न में से क्या, क्रेटर वियर का क्या अर्थ है, टर्निंग टूल में क्रेटर वियर और एक होता है फ्लैंक वियर, तो क्रेटर वियर का क्या मतलब है, क्रेटर वियर में अगर देखें जैसे ये टूल का ये रेक फेस है, ऊपर वाला फेस है, अगर ये फेस घिस घिस करके और कट रहा है, चिप इसी पर फ्लो करता है ना, रेक फेस पर ही फ्लो करता है, तो घिस घिस करके ये क्षरण हो जाता है, कट जाता है, गड्ढा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर वियर बोलते हैं। जबकि टूल का ये जो नीचे वाला भाग होता है ताकि जॉब के सतह से टच ना करे, फ्लैंक वाला भाग के बीच में जो जॉब के सतह के साथ एंगल दिया जाता है वो क्लियरेंस एंगल होता है, तो नीचे वाला सतह यानी फ्लैंक घिसता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक वियर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन दिया प्राइमरी कटिंग एज ब्लंट होना, कटिंग फेस की में कैविटी होना या गड्ढा होना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कटिंग फेस के ऊपर कैविटी होना क्रेटर वियर कहलाता है, कटिंग पॉइंट का ब्लंट होना, मेन फ्लैंक पर गड्ढे होना, अगर मेन फ्लैंक नीचे से घिस रहा है तो ये फिर क्या कहलाता है, फ्लैंक वियर कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है छोटी टेपर शाफ्ट पर वुडरफ की का उपयोग असेंबली के साथ क्यों किया जाता है, छोटे जो टेपर शाफ्ट होते हैं वहाँ पर वुडरफ की जो अर्धवृत्ताकार सेक्शन की होती है इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो ऑप्शन इस तरीके से, या भारी वजन उठाता है, भारी वजन उठाने का तो सवाल ही नहीं आ रहा है, जब इसके लिए स्लॉट काटेंगे हम लोग तो अंदर शाफ्ट को, शाफ्ट के अंदर धंसा होता है ना अर्धगोलाकार शेप में, तो कमजोर करता है, लाइट पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, या काट तनाव सह सकता है, जिसका विदस्टैंड स्ट्रेस हब के कीवे में इसे आसानी से फिट और सेल्फ अलाइनमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह कम खर्चीले है इसलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा, हब के जो कीवे हैं जैसा चाबी वैसा कीवे बना होता है, इसमें इसको बिठाना क्या होता है, आसान होता है, और जब डाल देंगे तो अपने आप ही अलाइन हो जाता है क्योंकि जगह भी उतना ही रहता है ना, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है सरक्लिप या रिटेनिंग रिंग किस धातु के बने होते हैं, जो सरक्लिप होती है या रिटेनिंग रिंग होती है ये घूमने वाले असेंबली में, जैसे मान के चलिए बेयरिंग हाउसिंग है, उसमें बेयरिंग है और ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट का क्या काम है कि केवल ये रोटेट करे, इसके एक्सियल दिशा में शाफ्ट को ऐसे वैसे आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए ना, तो ये वाली गति को ब्लॉक करने के लिए हम लोग रिटेनिंग रिंग या सरक्लिप का प्रयोग करते हैं। रिटेनिंग रिंग या सरक्लिप जो होता है इसका प्रयोग हम लोग घूमने वाले शोल्डर में असेंबली के लिए काम करते हैं हम लोग, ठीक, या घूमने वाले असेंबली होते हैं वहां पर शोल्डर का काम करता है, सहारा देने का काम करता है, ये लचीला होता है, इसको फैला करके डाल सकते हैं हम लोग ग्रुप में, ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीके का होता है, अंदरूनी का प्रयोग हम लोग होल या हाउसिंग में करते हैं, बाहरी का हम लोग शाफ्ट के ऊपर करते हैं, शाफ्ट पर इसके लिए ग्रुप भी बना होता है, तो लचीला होता है, तो किसका बना रहेगा, स्प्रिंग स्टील का होता है, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग निम्न में से किस धातु की लैपिंग के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव लैपिंग के लिए पूछा, ऑप्शन दिया है लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हार्ड स्टील और कास्ट आयरन। तो अगर यहाँ पर देखें सिलिकॉन कार्बाइड के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, फटाफट आंसर कीजिए। 41 का हार्ड स्टील और कास्ट आयरन, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, तो डी, समझ में आ चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अलौह धातुओं की लैपिंग करने के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे। अलौह धातु की लैपिंग करना है, अलौह धातु की लैपिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, तो अलौह धातु के लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, राइट आंसर सी। ब्रोन कार्बाइड किसके लिए यूज होता है, तो गेज मेकिंग के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा बेयरिंग फ्रिक्शन बेयरिंग है, फ्रिक्शन बेयरिंग कौन सा है, ऑप्शन इस तरीके से दिया है रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, सेल बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा, सेल बेयरिंग ना, इसमें डायरेक्ट संपर्क में शाफ्ट आते हैं, तो डायरेक्ट संपर्क में घर्षण ज्यादा होगा, ये फ्रिक्शन बेयरिंग में आता है, जबकि रोलर बेयरिंग इसमें लाइन कॉन्टैक्ट होता है, नीडल रोलर बेयरिंग इसमें भी लाइन कॉन्टैक्ट होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होता है, इसमें भी ये पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, बॉल है, तो ये सब एंटी फ्रिक्शन में आता है, जबकि ये फ्रिक्शन में आएगा, राइट आंसर क्या रहेगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है निम्न में से किस बेयरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया बिंदु होता है, इसी से रिलेटेड आ गया पॉइंट, तो पॉइंट किस में होगा, बॉल बेयरिंग में होगा ना, तो राइट आंसर क्या होगा ए। रोलर बेयरिंग में क्या होता है, तो रोलर बेयरिंग में लाइन कॉन्टैक्ट होता है, स्प्लिट बेयरिंग में पूरा सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट आता है, तो स्प्लिट बेयरिंग किस में आता है, स्प्लिट बेयरिंग आता है आपका घर्षण बेयरिंग में, फ्रिक्शन बेयरिंग में आता है, नीडल रोलर बेयरिंग इसमें भी लाइन कॉन्टैक्ट होता है, तो जहां पर हाउजिंग में कम आसान होता है वहां पर नीडल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है शुद्ध कार्यों के लिए, हवाई जहाज में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से वह जिग जिसका प्रयोग करके छोटे जॉब को चारों तरफ ड्रिलिंग कर सकते हैं, छोटे जॉब को उसमें रख करके और चारों तरफ यानी अलग अलग प्लेन में हम लोग घुमा करके ड्रिलिंग कर सकते हैं, वह जिग कौन सा है, ऑप्शन दिया है टेबल जिग, यूनिवर्सल जिग, बॉक्स जिग और लीफ जिग। राइट आंसर क्या होगा, बॉक्स जिग, ये बॉक्स के जैसा ही बना होता है, जॉब को उसके अंदर रख करके और अलग अलग प्लेन में उसके लिए हॉरिजॉन्टल फेस पे और उसके किनारे पर भी गाइड बुशेज लगे होते हैं, इसको पलट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, बॉक्स जिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस जिग का उपयोग परिशुद्धता से वृत्ताकार, परिशुद्धता में वृत्ताकार प्लेट की परिधि पर समान दूरी में ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, एक समान दूरी पर ड्रिलिंग करने के लिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये फ्लेंज है, फ्लेंज में अगर ये एक होल है, ये एक होल है, ये एक होल है, ये एक होल है, इस तरीके से ये होल है, तो ये होल जो होते हैं ये पिच सर्कल डायमीटर पर होते हैं फ्लेंज में, जिसमें बोल्ट लगा करके हम लोग जोड़ देते हैं, ऐसा भी पूछा है ना, फ्लेंज कपलिंग में अगर देखें तो कितना फ्लेंज होता है, तो दो फ्लेंज होता है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखा जाए तो ये इस होल और इस होल के बीच की ये जो सेंटर डिस्टेंस क्या है, एक समान है, तो एक समान मेंटेन करने के लिए अगर होल करना है जिग का प्रयोग करके, तो कौन सा जिग का प्रयोग करेंगे, तो इस परिधीय सतह पर ये होल हो जाए तो इसको, तो इस प्लेट को इंडेक्स करेंगे ना, इंडेक्स, इंडेक्स करना मतलब होता है घुमाना, घुमाना मतलब कौन सा जिग है, इंडेक्सिंग जिग है, पूछा जाता है शुद्धता में ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा जिग का प्रयोग करते हैं, तो इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भर भर के आता है शुद्ध ड्रिलिंग के लिए, इंडेक्सिंग जिग, पतले जॉब के लिए तो सैंडविच जिग, ये बता दे, ठीक, लोकेशन फ्रॉम बोर, बोर से अवस्थिति के लिए तो पोस्ट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से पाइप थ्रेड की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो पाइप के ऊपर जो थ्रेड होता है बीएसपी होता है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप होता है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है तो लीकेज नहीं होता है, दोनों टेपर थ्रेड होती है ना, 3 बाई 4 इंच पर फुट क्या होती है, टेपर होती है, पर फुट टेपर होती है, और एंगल कितना होता है, तो 55 डिग्री, ये पता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है प्लास्टिक पाइपों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए, प्लास्टिक पाइप का यूज किसके लिए नहीं करते, ऑप्शन दिया गैस सप्लाई, पानी सप्लाई, फूड प्रोसेसिंग, स्टीम सप्लाई। प्लास्टिक का पाइप है, देख करके सोच कर भी बता सकते हैं, स्टीम पाइप के लिए सप्लाई करते हैं क्या, नहीं करते हैं, सप्लाई करोगे तो ये जल जाएगा ना, मुलायम हो जाएगा पूरा, और सब कार्यों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, तो क्वेश्चन है
अधिक दूरी के शक्ति संचालन के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? ज्यादा दूरी पर पावर संचालित करना है उसके लिए कौन यूज होगा? ऑप्शन दिया है फ्लैट पुली के साथ वी बेल्ट, रस्से के साथ अर्धवृत्ताकार ग्रूव पुली, स्प्रॉकेट के साथ चेन, और फिर एक आंसर दिया ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पर राइट आंसर चुनना चाहते हैं तो फ्लैट पुली और फ्लैट बेल्ट ज्यादा दूरी के लिए, रस्से और अर्धवृत्ताकार ग्रूव पुली, रस्सा जो रोप होता है उसके द्वारा पावर ट्रांसमिट करना है तो जो इसके लिए पुली होती है हाफ राउंड शेप में उस पर ग्रूव बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ये डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब यहाँ पर देखिए ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये ऑप्शन दिया है ना इसलिए। और खाली ये ऑप्शन नहीं रहता, ए और बी दोनों, खाली ये पूछता है कि लंबी दूरी के लिए, तो लंबी दूरी के लिए सबसे ज्यादा लंबी दूरी के लिए ये यूज होता है, रोप और पुली ड्राइव। जैसे कुआं से पानी निकालना है तो पुली के ऊपर रस्सा लगा के और बाल्टी को खींचते हैं ना हम लोग, दूर खदानों से कहीं ट्रॉली में हम लोगों को, सॉरी, या पहाड़ी एरिया से, जैसे सीमेंट फैक्ट्री होता है पहाड़ी एरिया से हम लोगों को पत्थर वगैरह कोई लाना है तो ट्रॉली के माध्यम से आता है, या पर्यटक स्थल होता है जहाँ ट्रॉली में बैठ बैठ के पहाड़ पर जाता है, तो ये रोप ड्राइव बहुत लंबी दूरी के लिए होता है, सबसे ज्यादा दूरी के लिए रोप ड्राइव है। उससे कम दूरी के लिए कौन होता है? तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है, इसमें पुली और बेल्ट, फ्लैट पुली और बेल्ट होती है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग ड्राइव करते हैं, तो ये दोनों दिया है इसलिए हम लोग इसको दोनों को ले सकते हैं। अगर पूछता अकेले करके तो इसको मार सकते थे बी को। और ये जो स्प्रॉकेट है उसके बाद चेन ड्राइव आता है, स्प्रॉकेट ड्राइव जैसे गाड़ियों में, बाइक वगैरह में होता है या साइकिल में होता है, समझ रहा चीज। और सबसे कम दूरी के लिए कौन आता है? तो गियर, ये सबका बता दिए। और बेल्ट में देखे तो एक और आता है, फ्लैट बेल्ट और एक वी बेल्ट होता है, वो भी कम दूरी के लिए यूज होती है, ठीक है, कम दूरी के लिए। ये जो चेन या स्प्रॉकेट होता है उससे भी कम दूरी के लिए वी बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे कम दूरी के लिए क्या होता है? गियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और आज के भंडारा का ये लास्ट क्वेश्चन है। पहला सेट में 50, दूसरा सेट में 50, 100 क्वेश्चन। मध्यम दूरी की शक्ति को संचालन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मध्यम दूरी के लिए ऑप्शन दिया है इस तरीके से, बी बेल्ट के साथ बी ग्रुप, स्प्रॉकेट के साथ चेन, और फिर गियर, और फिर ए एंड बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए नहीं होगा, डी होगा। डी क्यों होगा? डी, वी बेल्ट भी ये मध्यम दूरी के लिए होती है, चेन ड्राइव मध्यम, उनके मुकाबले कंपेयर किया जाए, समझ में आ रहा चीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। गियर के लिए अगर देखें तो गियर क्या होता है? बहुत कम दूरी के लिए होता है, एक दूसरे के साथ गियर मैच करके चलते हैं ना, मेसिंग में चलते हैं, तो सबसे कम दूरी के लिए होती है, समझ में आ रहा चीज। अब मार्क्स बताना है, हम लोगों का जो आज का टारगेट था वो पूरा हो गया है। मार्क्स बताइए, 150 क्वेश्चन कराइए, नहीं 150 नहीं होगा, कल कराएंगे और भी, ठीक। चलिए इसको जो डाउट है पूछ सकते हैं, जो बार बार बोल रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, जो निमी वाला है ना क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ, निमी का जो क्वेश्चन बैंक वाला पीडीएफ है वो डाउनलोड करके पढ़ना है, ऐसा ना कि एग्जाम में वही आए, और ऐसा लग भी रहा आएगा भी, ठीक है। तो बन जाएगा, जितना प्रैक्टिस कराए हैं, जितना शुरू से लेकर अभी तक लेक्चर बताए इसके कंसेप्ट से बना सकते हो। यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऐसा प्रैक्टिस करा रहे हैं। अपने स्तर से खाली टाइम मिला है तो उसको करो ना एक एक करके, 800 से 1000 क्वेश्चन है, ठीक। रोज रोज एक ही क्वेश्चन लाते हो आप, ज्यादा पढ़ लिए कचोरी भाई, इसलिए आपको लग रहा है, ठीक, समझ मेरा चीज। ज्यादा पढ़ ली हो यहीं पर इसीलिए लग रहा है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए हमको इसीलिए ऐसा लग रहा है। अगर ज्यादा नहीं लग रहा है ऐसा तो कोई रोक टोक नहीं है, आपको रिवाइज करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, ठीक। क्योंकि एग्जाम तक मैक्सिमम चीजें रहे, हम ही से पढ़ के हम ही को डांट रहा है, बोल रहा है कि एक ही क्वेश्चन ला रहे हो, क्या कराना है, हमसे बेहतर जान रहा है, तो छोड़ दो ना, क्यों सलाह दे रहे हो, छोड़ दो, समझ मेरा चीज। ऐसा ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये इसका कमेंट बहुत बार देखे है पढ़ाते समय भी, तो जितना करा रहे कर लो कचोरी भाई, पढ़ा दिए हैं ज्यादा इसलिए आपको लग रहा है ऐसा, ठीक। निमी वाला करना है आपको, निमी वाला क्वेश्चन करके जाना है, टेंशन नहीं लेना है किसी को, सारा चीज क्लियर होना चाहिए, समझ मेरा चीज। इसीलिए बोला जाता है ना कि किसी को 2-4 रुपया दे दो लेकिन ज्ञान मत दो, ज्ञान दोगे ज्यादा ना तो उसके माथे पर, आपके माथे पर ही बैठ जाएगा वो, यही हो रहा है हमारे साथ। जितना ज्यादा ज्ञान देंगे ना उतना ज्यादा सब हम ही को दबा दबाने का कोशिश करता है, तो दबने वाले है नहीं, समझ में आ रहा चीज। पढ़ना है पढ़ो, उन्हीं के लिए है जो झंड भर के घूमते फिरता है सब, यही रवैया की वजह से,
जो बच्चा एग्जाम दे के आया उससे पूछो ना, जिसका नौकरी हुआ उससे पूछो ना, तो इन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलने पर बोलेगा सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, झंड थे झंड रहेंगे, एक एक कदम झंडता की तरह बढ़ाते जाएंगे। यही सब सुनने के लिए सब बोलता है। ठीक, चलिए, ये सब हंसी मजाक के लिए था, दिल पे नहीं रहना है कचौड़ी भाई। जो पढ़ा रहे पढ़िए, आगे और क्वेश्चन आएंगे नए नए, एक एक टॉपिक आपको प्रैक्टिस कराते हुए चल रहे हैं, और आपको बांध करके थोड़ी रखे हो कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो। बता भी तो रहे हैं कि जो निमी वाला क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ लो, मैक्सिमम रिपीट हो उसमें से क्वेश्चन, जैसे हम लोग कंसेप्ट समझे हैं बना लोगे। किसी किसी का आंसर भी गलती है, तो इतना तो ट्रेंड कर दिए हैं कि गलती काट सकते हो, उसमें इतना विश्वास है कि गलती छाट सकते हो अगर ढंग से पढ़े हो तब। रिवीट टाइमर तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम थोड़ी लगता है कचौरी भाई। रिवीट टाइमर आया आया और तुरंत निकल गया, सेकेंडो नहीं लगता है, उड़ा देते हैं तुरंत, हमको पता है। वो लात रखते इसलिए कि थोड़ा रिविजन कंटिन्यूस बना रहे हर एक चैप्टर का, फिर नीचे नया नया क्वेश्चन आता भी है, और ऐसा नहीं कि वही है, ये बता दिए रहते हैं पहले, इसलिए आपको लग रहा है क्वेश्चन सब अलग ही है। अब एक ऑप्शन में सारा डील कर देते हैं, इसलिए लगता है कि ये क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, गजनी यूथ वाला कर ले, यूथ वाला कर रहे हो पहले से तो ठीक है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है मैक्सिमम, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपको यहीं पे करा दिए। थैले वाले को ब्लॉक कर दो, क्या कर रहा है थैला वाला, कमेंट दिखा नहीं है, उल्टा पुल्टा कमेंट मत करो, क्योंकि बीच में हमको समय नहीं मिलता है बात करने के लिए, क्योंकि कंटेंट इतना लगा रहता है कि उसी में हम अपना मस्त मगन रहते हैं, और इधर कमेंट देखे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। जंगल में शेर को अगर छेड़ोगे तो शिकार कर लेगा बीच में, यही होता है, इसीलिए कमेंट भी नहीं देखते। कोई दिखा उल्टा पुल्टा कमेंट तो फिर कहानी खत्म। गुरु जी आप महान हो, थैंक यू सूर्य प्रकाश, पढ़ते रहिए। जो लोग अच्छा, मैक्सिमम लोगों का एग्जाम था सेल का भी, कैसा रहा पेपर, कैसा था इसके बारे में बता दीजिए, और जो यूपी आरबीएनएल का, अब तो आंसर के भी आ गए है ना, मिला लो क्वेश्चन, जितना यूट्यूब पे पढ़ा है उसी से मिला लो ना, अलग के बात नहीं कर रहा है, जितना यूट्यूब पे पढ़ा है, डिटो क्वेश्चन छपा हुआ है पेपर में, नहीं विश्वास होगा तो करा भी देंगे। न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो उसके लिए लेके आएंगे ना सीरीज। जो लोग ऐप वगैरह पर पढ़ रहा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया सारा, तो न्यूमेरिकल पार्ट सारा ओवर हो चुका है, यहाँ पर भी करा देंगे जिससे आपका रिविजन हो जाए। तो पूरा न्यूमेरिकल जितना है हम लोगों का ट्रेड थ्योरी में, पूरा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताकर कंसेप्ट बताकर न्यूमेरिकल करा देंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन। मेरे नाम की आईडी बना के आया है, फेक आईडी है। अच्छा ठीक है सर, आपको ठंड नहीं लगती है क्या, लाइट इतना ज्यादा है दिलीप, ठंड की बात नहीं है इसमें। ठीक, ठंड लगता तो कुछ पहने रहते ना, तो ना हम ही लौट जाते यहीं पे, नहीं पहने रहते ठंडा लगता तो, विशाल है माहौल रूम में इसलिए नहीं लग रहा है, बल्कि जैकेट पहनेंगे तो उमस होगा, गर्मी हो जाएगा यहीं पे, पसीने पसीने हो जाएंगे। अरे इतना डेढ़ घंटा काम रहता है ऐसे ही गर्मी छितराया रहता है, समझ मेरा चीज, तो मेहनत करोगे तो गजनी छितराएगा ही छितराएगा, गजनी मुस्कुरा रहा है मुस्कुराएगा ही। ठीक चलिए, तो बहुत जल्द ही आपको, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल वाला सीरीज लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्जाम से बहुत पहले करा देंगे तो सेफ रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम की तलाश है, थोड़ा सा फ्री होंगे बस उसको लेकर के आ जाएंगे, पहले से शेड्यूल रहेगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक, निमी क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करें सर, वीडियो बनवा दो ITI इंस्टीट्यूट पर। अच्छा कोशिश करते हैं, ठीक, नहीं तो सीधा स्टेप बता देते हैं, जो भारत है स्किल साइट है ना वहां पर जा करके फिर CTS आएगा, CTS तो CTS में जाकर क्लिक करना है, CTS में फिर ट्रेड आएगा ना अलग अलग, जो जिसका ट्रेड है उस पर क्लिक करना है, तो इधर साइड में आता है स्टडी मटेरियल आएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आएगा, तो स्टडी मटेरियल खोलोगे तो उसमें बुक रहता है, किताब हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में, वो डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक होगा तो वहां पर सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया है उसको डाउनलोड करना है, कुल मिलाकर 1000 के आसपास क्वेश्चन होगा, तो अलग अलग ट्रेड के अनुसार देख लेना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है। कुंजी मार्ग, चाबी मार्ग में
कोनों को हटाने के लिए, कोनों को हटाने के लिए हम लोग साइड कट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक, आमिर हुसैन या बर वगैरह होगा तो वहां पर ज्यादा सुटेबल होता है साइड कट चीजल, नहीं तो फिर हम लोग अगर साइड कट चीजल ना दिया रहे तो डायमंड पॉइंट चीजल को ले सकते हैं 120 में 87 आ रहा है, किस में, सेल में सर, डीआरडीओ में, अच्छा सॉरी डीआरडीओ में 120 में 87, थोड़ा और इम्प्रूव करना है, फाइटर आकाश इससे काम नहीं बनने वाला है, 90 से जो 95 टारगेट दिए है उसमें लेके जाना है, ठीक। मीनिंग मशीन का जो क्वेश्चन है अभी आएगा आगे, नहीं तो इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन उससे कराए हैं, न्यूमेरिकल वाला में मिलिंग मशीन कवर कर देंगे, न्यूमेरिकल कैसे आता है उसमें। मॉड्यूल, मॉड्यूल एम बराबर डी बाई टी होता है, गियर के अगर मॉड्यूल के बारे में बात करें तो डी बाई टी होता है ना, पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाई दांतों का, ये दांतों की संख्या होती है, तो इसे निकाल सकते हो जो डाटा दिया रहेगा, फॉर्मूला प्रैक्टिस करा देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा शुरू से लेकर के। इसरो यूआरएससी में प्रॉब्लम आ रही है स्टाइरस शुक्ला, इसी के लिए तो प्रैक्टिस करा है, ठीक है, तो आ रहा है तो सोल्यूशन डाल दी है, उसमें देखते जाना है सारा का, इससे बाहर नहीं है, 80 में 80 लेकर के आएंगे इसके रहमत, ठीक है गुड, जो बता रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है, नीमी वाला भी, उसमें केवल लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, ठीक, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग करके है, बाकी आंसर उसी तरीके से बन जाएंगे, सर राहुल सर में भी आके पढ़ाई खराब करता है, गौरवराज कौन खराब करता है उसके ऊपर ध्यान मत करो, अपना पढ़ाई देते रहो, मोर मटेरियल रिमूवल, ग्राइंडिंग में सबसे ज्यादा धातु काट के निकाला जाता है, अनुपम साढ़े 14 डिग्री होता है, 14 नहीं 14 एग्जैक्ट प्रेशर एंगल होता है 14.5 डिग्री, ठीक, स्टब टीथ स्पर गियर, मशीन का क्वेश्चन करा दीजिए, कितना क्वेश्चन इससे पहले आया है, आज हम लोग का 56वां दिन है, इससे पहले का ढेर सारा सेशन में क्वेश्चन कराए हैं, वहां से देखते आए तो कि अब जैसा आ रहा है उसके अनुसार कराते चलेंगे क्वेश्चन, बीच बीच में आएगा मशीन का भी, मटेरियल रिमूवल रेट किस में पूछ रहे हो, ड्रिलिंग में, ड्रिलिंग में अगर पूछ रहे हो तो पाई डी स्क्वायर एफ इंटू एन बटा में क्या होता है 4, मटेरियल रिमूवल ड्रिलिंग के लिए ये सारा चीज आ जाएगा, बता देंगे सबके लिए, प्रैक्टिकल लिए कितने में बुलाता है, कट ऑफ पार करोगे तो चले जाओगे ना फाइटर आकाश, 90 से 95 आपको टारगेट दिया है, मैक्सिमम अलग है, फाइनल स्टेज तक बने रहोगे, स्किल टेस्ट पास करने के बाद भी जॉब हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम लेकर के चलो, ठीक, 90 से 95 बताए हैं तो कम से कम 85 से 90 तो रहना ही चाहिए, ओबीसी हो तो, इसके बीच में नहीं है तो दिक्कत होगा फिर, बाकी अब लेवल पर भी निर्भर करेगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, पियर्सिंग ऑपरेशन क्या है एसके रहमत, पंचिंग या पियर्सिंग, पंचिंग या पियर्सिंग होल करने की क्रिया है, होल होल, पियर्सिंग मतलब होल, जैसे कान छेदवाते हो ना, कोई कोई हीरो लोग छेदवाता है ना तो क्या बोलता है, पियर्सिंग, कान पियर्स कराए हैं, मतलब क्या कराया है, होल कराया है, पियर नहीं कराया है, पियर्स होल कराना, तो पंचिंग, पंच और प्रेस में जो पंचिंग या होल करने की क्रिया होती है उसको पंचिंग या पियर्सिंग बोलते हैं, डिस्क के रूप में
काटने की क्रिया होती है, इसको हम लोग ब्लैंकिंग बोलते हैं। तो ये पंचिंग और प्रेस से रिलेटेड है, डाई के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए ब्लैंकिंग और पंचिंग क्या है राकेश राउत, यही तो बताएं। ब्लैंकिंग में हम लोग डिस्क काट के निकालते हैं, जैसे बर्तन बनाना हो या गियर ब्लैंक, गियर के दांतों काटने होता है उसको काट के निकालते हैं। पंचिंग में होल करते हैं, तो पंचिंग में होल हमारा जॉब होता है, ब्लैंकिंग में डिस्क हमारा जॉब होता है। बाकी जो जुड़ा है ऐप पर उसके लिए तो सारा सिलेबस में बताए हैं किसमें कौन सा क्लियरेंस दिया जाता है। चार हजार क्वेश्चन का भंडारा लेकर बैठा हूँ, ठीक है कचोरी भाई, पढ़िए उसी को, बाकी ये सब भी पढ़ लीजिए, काम आएगा। सर जी रेलवे पीटी के लिए डीआरडीओ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? पीटीआई है तो जो आपका स्ट्रांग है उसको अभी फोकस कीजिए ना, टेक्निकल ठीक है तो डीआरडीओ पर फोकस करना है। आशीर्वाद है सबके लिए, फाइटर आकाश या जो भी हो, जो भी पढ़ाई किया है अच्छे से, सबके लिए आशीर्वाद है, नौकरी लेकर के आएगा। चलिए सेशन इन करते हैं, ज़्यादा समय हो गया, ज़्यादा समय आपका हम लोग नहीं व्यतीत करेंगे यहाँ पे। पढ़ाई कीजिए अच्छे से आप लोग, और कम समय है तो मैक्सिमम रिविजन करना है। पटना से अमित कुमार, थैंक यू, वेलकम है अमित, पढ़ते रहिए। चलिए सेशन इन करें ना, जुड़े रहिए सभी लोग प्रतिदिन इसी तरीके से, मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो सकता है करा देंगे आपको। बस एक ही गुजारिश बार बार कर रहे हैं, निमी वाला अपने से करना है, कहीं उसके चक्कर में प्रैक्टिस ना करो, फिर आएगा क्वेश्चन उससे जरूर आएगा, लेकिन हम लोग जितना प्रैक्टिस किए हैं इसमें से सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज उसमें यूज करेंगे तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन, तो उसको बना करके रहना है। अभी इधर सीरीज चला रहे हैं, नहीं तो बीच में उसको कराते, कल कुछ नया लेके आइए जी, कोशिश करते हैं कचौरी भाई, थोड़ा सा पुदीना उदीना लेके आएंगे, डाल के कचौरी में छान देना है, ठीक मजा आ जाएगा, मेथी उथी भी रहेगा, ठंडा का दिन है, और क्या बोलते हैं ये मेथी का पत्ता हरा वाला। जंपिंग एंड ड्राइंग, जंपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जॉब के क्रॉस सेक्शन कम करके, अगर लंबाई है तो लंबाई को कम करके डायमीटर बढ़ाते हैं, जबकि आपका ये जो ड्राइंग होती है उसमें क्रॉस सेक्शन करके कम करके या लंबाई कम करके, सॉरी थिकनेस कम करके और लंबाई बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, जंपिंग में क्रॉस सेक्शन कम करके, लंबाई कम करके और क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं, डायमीटर बढ़ाते हैं अगर कोई गोल जॉब है तो, और ड्राइंग में क्रॉस सेक्शन कम करके लंबाई बढ़ाते हैं। हलवा भी लेके आएंगे, चलिए ठीक है, पढ़िए आप लोग, अब ज्यादा किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है, सभी को गुड नाइट, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ये तो बता ही नहीं रहा है यूपी आर्मिनल में जो लोग एग्जाम दे के गया है आया है, कैसा क्वेश्चन था, अब तो आंसर भी आ गया, सबको पता है कैसा कितना नंबर आ रहा है सबका, कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है इसका तो फीडबैक दे ही नहीं रहे हो, कि छान दिया है यूपी ट्रिपल सी के चक्कर में, छाननी में भर ही नहीं पाए हो फॉर्म। 130 SC ITI फिटर मैकेनिकल, चलिए ठीक है 130 SC उम्मीद कर सकते हो इतना पे। कचोरी भाई 170, वाह ये तो टॉप कर जाएगा आपकी बार, झूठ बोल रहा है कचोरी, 8:30 बजे से होती है। सचिन बॉय सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, 8:30 बजे से रोज, और इससे पहले भर भर के ढेर सारा चीज दिए हैं, वहां से भी पढ़ना है। इंडेक्सिंग के लिए पूछ रहे हैं, इंडेक्सिंग में ज्यादा ये चीज ध्यान रखिए मनीष कुमार, कौन सा मैकेनिज्म होता है ये पूछा जाता है, तो इंडेक्सिंग में वर्म एंड वर्म हिल होता है, उसका रेशियो पूछा जाता है वर्म और वर्म हिल का, तो 40:1, अगर 40 चक्कर वर्म घूमेगा तो एक चक्कर व्हील घूमता है। इंडेक्सिंग का प्रयोग हम लोग मिलिंग मशीन पर करते हैं,
कोई जॉब होती है तो सिंपल इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जॉब के परिधि सप्ताह को बराबर भागों में बांटना। तो जैसे गियर ब्लैंक है उस पर दांते काटने हैं, अगर गियर ब्लैंक है या गोल जॉब है उसकी परिधि पर 40 दांत काटना है तो 40 दांत क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए ना, बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, इसके लिए सिंपल इंडेक्सिंग और एक होती है कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो जिसमें सिंपल इंडेक्सिंग प्लेट होती है उसमें होल सर्कल होता है, उसके अनुसार कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहाँ खत्म हो गया, तो सब क्वेश्चन बना के बैठे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। सुरजीत, खत्म हो गया ना, 8:30 बजे से जुड़ना है रोज। रणवीर कुमार नायक, कौन दोनों ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन के लिए बताइए, उसके अनुसार बताते हैं। जब मयंक धीमान, ये जो सेफ्टी वाला क्वेश्चन है ना, सेफ्टी के लिए हमसे मत पूछिए, ठीक, सेफ्टी खुद से पढ़िए। सेफ्टी यहाँ पर अभिषेक सर, तो अगर वो कभी लाइव आते हैं तो सर से ही पूछ लीजिएगा, ठीक, वो अपने अनुसार जो पढ़ाए उसके अनुसार आंसर करेंगे आप बीच में, अगर जुड़े हैं तब, नहीं तो ऐसे सेफ्टी क्लास पहले से लेक्चर में है, वो देख सकते हैं जा करके यूट्यूब पर, अभिषेक सर का जो चैनल है वहाँ पर। अमेजिंग सर, MG, MD, थैंक यू MD, पढ़िए इसी तरीके से। हाइड्रोलिक का क्या रोल है इसमें बताएं, कौन सा हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक चैप्टर है थोड़ा सा, वो बोले ना जो निम्मी का है उसमें कुछ क्वेश्चन है उसको बस देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन आ सकता है उधर से, निकाल दीजिए इनका तेल। खत्म हो गया राहुल, कल अब 8 से 9 तक कराइए, बस एक एक घंटा। चलिए सेशन इन करते हैं, काफी ज्यादा समय हो गया है, तो कल फिर इसी समय पे आएंगे, सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है, और नया होगा तो जरूर उससे पहले अपडेट हो जाएगा क्या चलने वाला है, तो शेड्यूल में रहता है ये, पता चल जाएगा आपको।